हेलो दोस्तों जय हिंद वेलकम बैक टू ओपन स्टडी स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में और आज की क्लास ऑन डिमांड ठीक है आप लोगों की डिमांड है कि सर बेसिक वर्ब में मॉडल वर्ब भी होते हैं और मॉडल वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब तीनों का जो कलेक्शन है मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिया था कि ये तीनों सेक्शन बेसिक वर्ब के पार्ट होते हैं ठीक है ठीके? तो हमारे चैनल पे यार ज्यादा बातें नहीं होती मतलब इधर उधर की बातें कम ठीक है मोटिवेशन शायरी गज़ल ये सब आपको नहीं दिखेगा कंटेंट दिखेगा और अगर मॉडल वर्ब की आज की क्लास आप लोगों ने कंप्लीटली देख ली तो एसएससी एग्जाम हो या कोई अदर डिफेंस एग्जाम हो कोई सा भी एग्जाम हो मॉडल वर्ब से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल हाईली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं आपको मॉडल्स सिखाऊंगा बेसिक बातें भी सिखाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है एक फेयर मेथड होता है किसी भी तरी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फालतू का इंप्रेशन मेरे पास है नहीं है ना ही मुझे उस चीज का शौक है ठीक है जो स्टूडेंट्स के हित की बातें होंगी सिर्फ वही उन्हीं पर चर्चा होगी ठीक है तो चलो क्लास हम लोग शुरू करेंगे ये एक ऐसी क्लास रहेगी पूरी तरह से फुली कॉन्सेप्चुअल क्लास है एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली मैं आप लोगों को समझाऊंगा साथ के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मतलब विद एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया आपने मान लिया विद के साथ मैं आप लोगों को चीजें डिस्कस कराऊंगा उससे भी पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं पहली बात मैंने आप लोगों को कल भी बताया था एक बार फिर से बता रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे एक मास्टर वीडियो है एक ही वीडियो के अंदर वन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया इसी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे ठीक है एक और शानदार सी छे से सात घंटे की क्लास होगी जिसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाएंगे एस एस सी एग्जाम से पहले उसके बाद सभी लोग सेशन को लाइक कर देना ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था कि सर पिनेकल सीरीज कब आ रही है पिनेकल सीरीज का आपने बोला था ठीक है और पिनेकल सीरीज कब आएगी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पेनेकल सीरीज की जो पहली क्लास होगी टॉपिक वन एरर डिटेक्शन की जितने भी हमारे फर्स्ट एडिशन में पेनेकल की जो फर्स्ट एडिशन बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन के दे रखे एरर डिटेक्शन के पांच सौ बयासी क्वेश्चन है इसका कंप्लीट कंपाइलेशन में वीडियो के थ्रू वीडियो सॉल्यूशन में डिस्कशन कराऊंगा इस सैटरडे सुबह ग्यारह बजे से शाम जितने भी बजे तक क्लास चले ठीक है तो तैयार हो जाओ सभी लोग कमर कस के हर चैप्टर का एक वीडियो आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिलेगा हर हफ्ते एक हफ्ते में एक वीडियो मिलेगा तो क्योंकि लंबा वीडियो होता है ठीक है तो तैयार हो जाओ इसके लिए किसी को भी लाइव कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच चाहिए ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑफलाइन बैच हमारे गुरुकुल में दिल्ली आके अगर पढ़ना चाहते हो ये भी है ठीक है चलो इतनी सी बात है थी शुरू करते हैं सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोडक्शन हो जाए चलिए भाई क्लास लंबी चलती है तसल्ली से हमारी क्लास चलती है आराम से सीखने वाली क्लास है तो आप लोगों को वो सीखने पे फोकस करना चाहिए ठीक है सभी लोग एक एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि मुझे बार बार बीच में ना बोलना पड़े ठीक है मैंने तो कर दिया आप भी कर दो <laughs> सभी लोग मार दो एक, -एक बार शेयर ठीक है और जो लोग आ चुके हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे भाई हम्म बात करना है तो कांटेक्ट नंबर दे रखें कॉल और मैसेज कर लेना देखो भाई बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं इनको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया ठीक है सर सहायक क्रिया किसके लिए काम करती हैं मेन वब के किसके लिए काम करती है मेन वब के. के लिए काम करती हैं है. सर मेन का मतलब क्या होता है कोई भी एक्शन सर एक्शन का मतलब क्या होता है एक्शन जानते हो ना कर्म जो होता है मतलब क्रिया जो होती है ठीक है मुख्य क्रिया हिंदी में लिख लो मुख्य क्रिया जिसमें आप सबसे मेन कार्य करते हो अभी मैं प्रैक्टिकली समझा दूंगा मुख्य क्रिया जिसको हिंदी में कहा जाता है सर ये मुख्य क्रिया क्या होता है जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू ठीक है मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कल भी बताया था आई एम जैसे मैंने बोल दिया आई एम टीचिंग यू मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इस सेंटेंस के अंदर आप जो देख रहे हो ना एम ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है ठीक है आप ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो दोनों का मतलब सेम होता है चाहे आप हेल्पिंग वर्ब का हो या ऑक्सिलरी वर्ब का हो दोनों का मतलब सेम होता है ठीक है आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब भी यहां पे जो टीचिंग है ये आपकी मेन वर्ब है ठीक है आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अगर किसी भी स्टूडेंट को ये वाली बातें नहीं पता है कि इसको सब्जेक्ट कहा जाता है इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है इसको हेल्पिंग वर्ब इसको मेन वर्ब तो भाई साहब फिर आप कंपटीशन की तैयारी तो नहीं कर रहे मुझे लगता है फिर ऐसा लगता है कि आप स्कूल में बैठे हो तो स्कूल की पढ़ाई अगर पढ़नी है तो स्कूल में पढ़ लो यार ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्यों पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो एक काम आपको जरूर करना होगा कि ये सब छोटी-मोटी चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए ठीक है अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप की होती हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक तो होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें आपको मैंने बी डू और हैव ये तीनों करा रखी है ऑलरेडी पहली क्लास जाकर के देख लेना बेसिक वर्ब की पहली क्लास में मैंने बी डू हैव ये तीनों करा रखी है ठीक है ये जो ए टू जेड इंग्लिश बैच है उसकी पहली दूसरी क्लास देखना दोनों ही मैंने इसमें अच्छे से पढ़ा रखी है बी डू हैव उसके बाद पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल्स जिनको मॉडल्स कहा जाता है ठीक है तो मॉडल्स जो होते हैं वही मॉडल वर्ब होते हैं जिनकी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है ठीक है क्या देख लें कमेंट का नारायण जी क्या है नयन कुमार जी बताइए क्या सेवा करी जाए मैं पढ़ाना बंद कर दू पहले कमेंट देख लू बताओ सब लोग कमेंट दे लेते हैं चलो 120 रूल्स वाली क्लास देख ली बहुत बढ़िया चलो कमेंट्स में बातचीत करते हैं अपन ठीक है पढ़ाना छोड़ देते हैं पहले बातचीत कर लेते हैं हाउ डू यू डू अरे यार कमेंट्स तुम पढ़ते रहेंगे यार कॉल कर लिया करो मेरे पास टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पे मैं चैट कर लूंगा आपसे मेरे पास व्हाट्सअप पे चैट कर लिया करो फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ये किस लिए होते बातें करने के लिए होते कमेंट्स में आप लोगों से जब पूछा जाए तब रिप्लाई किया करो तब मैं इंटरेक्ट करूंगा अभी पढ़ाने का समय है तो पढ़ाने लें दो, पढ़ा लेने दो ठीक है हाँ पढ़ाने के बाद जब कुछ करना हो तब बात करना हद करते हो यार कोई काम की बात हो तो बताओ चलो कमेंट में हम एक दो मिनट वैसे वेस्ट कर लेंगे चलिए शुरू कर लें सभी लोग लाइक कर दो सेशन को आ जाओ पहला ही कॉन्सेप्ट है हमारा कैन और कुड वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैन ऑब्लिक कुड कैन और कुड को अगर आपको किसी सेंटेंस में यूज करना हो क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका देखो अगर आप किसी सेंटेंस में कैन या कुड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके चार ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं इवन पांच कह सकते हो चार से पांच ठीक है चार से पांच ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आप कैन और कोड का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है पहला अगर आप किसी भी सेंटेंस में पहली बात तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कैन और कुड यह कब यूज किया जाएगा यह कब यूज किया जाएगा ठीक है कैन यूज करते हैं प्रेजेंट में ठीक है कुड यूज करते हैं पास्ट में और इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी तरह से किसी भी सब्जेक्ट की एबिलिटी को शो करता है ठीक है एबिलिटी को दिखाता है क्या दिखाता है मेरे भाई एबिलिटी सर ये एबिलिटी क्या होती है योग्यता इसको हिंदी में कहा जाता है योग्यता सर ये योग्यता क्या होती है आप इसको हिंदी में कह सकते हो ताकत ठीक है यानी कि पावर सर ताकत कितने प्रकार की होती है पावर कितने प्रकार की होती है एबिलिटी यानी कि पावर पावर यानी कि एबिलिटी यानी कि योग्यता ये कितने प्रकार की हो सकती है चार प्रकार की ताकत यानी कि चार प्रकार की योग्यता किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है कौन कौन सी चार प्रकार की योग्यता आपके अंदर हो सकती है बताओ पहली मैंने कहा सुनो भाई ये जो तुम कार लिए घूम रहे हो ना यू चुटकियों में खरीद सकता हूं मैं नहीं बोल रहा अगर कोई आपसे बोलता है <laughs> अगर आपसे कोई बोलता है तो समझ लेना भाई साहब इसके अंदर ताकत है लेकिन कौन सी वाली ताकत है अगर आपसे कोई ऐसे बोल दे कि सुन भाई ये जो तू कार लेके घूम रहा है मैं यूं चुटकियों में खरीद लूंगा इसका मतलब इसके पास पैसा है पैसे की ताकत है तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे की ताकत है पैसे की ताकत यानी कि मनी पावर मनी पावर तो आप कैन और कुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो अगर मान लो किसी ने कहा भाई तुम कहां जा रहे हो उसने कहा मैं रनिंग करने अच्छा कैसी रनिंग है तुम्हारी मैंने कहा बहुत अच्छी रनिंग है मैं 400 मीटर दौड़ता हूं पांच मिनट में मैंने कहा बस मैं 400 मिनट दो मिनट में 400 मीटर दो मिनट में दौड़ सकता हूं 400 मीटर की जो रनिंग है दो मिनट में दौड़ सकता हूं मैं यहां से तेरे घर तक जा सकता हूँ मात्र एक मिनट में मैं यहां से रेलवे स्टेशन तक जा, तक जा सकता हूं मात्र पांच मिनट में तो इसके अंदर ताकत है एक तो शारीरिक बॉडी ठीक है इसका फिजिक अच्छा है इसकी फिजिकल बढ़िया है तो वहां पर भी क्या कर सकते हो कि इस व्यक्ति का फिजिकल अच्छा है मतलब इसकी बॉडी ताकत अच्छी है मतलब फिजिकल जो पावर है इसकी वो बढ़िया है एक तो ये होती है एक इसके पास दूसरी ताकत है टाइम की दोनों ताकत इसमें हो रही है ध्यान रखना तो एक होती है शारीरिक ताकत ठीक है एक तो होती है शारीरिक यानी कि बॉडी पावर तब भी आप कैन और कोड का इस्तेमाल कर सकते हो तीसरा होता है समय की समय की ताकत है यानी कि टाइम की पावर है इसके पास टाइम पावर है टाइम की एबिलिटी है इस व्यक्ति के अंदर कि दो मिनट में ये काम कर सकता है मैं पांच मिनट में यहां से वहां तक पहुंच सकता हूं मैं तीन मिनट में तो इस तरह से जो पावर होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है मेरे भाई इसको भी हम कौन सी ताकत कहते हैं टाइम पावर कहते हैं ठीक है तो यहां पे भी आप कैन और कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं चौथी ताकत भी समझ लेते हैं भैया चौथी कौन सी होती है भाई समय का हो गया शारीरिक हो गया पैसे का हो गया एक होती है बुद्धि की ताकत मैंने कहा भाई साहब जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो दो मिनट में मैं इन क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों उड़ा देता हूँ क्योंकि मैं अनिल यादव सर से पढ़ता हूँ ठीक है तो अगर आप लोगों के अंदर दिमाग है आप लोगों का अगर माइंड एकदम शार्फ है एकदम सार्फ माइंडेड हो अगर आप तो आप कह सकते हैं कि सर मैं इस तरह के क्वेश्चंस को तो यूं चुटकियों उड़ा देता हूं तो आप दिमाग के तेज हो तो आपके पास क्या होता है माइंड यानी कि मस्तिष्क सोचने की क्षमता आप यहां पे लिख लो माइंड ठीक है कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही सही सही लगती हैं हिंदी में मस्तिष्क लिखोगे तो अजीब सा लगेगा माइंड पावर लिख लो या माइंड की एबिलिटी है किसी के मैं बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ाने की कोशिश में लगाऊं मैं चाहता हूं आप छोटी छोटी चीजों से चीजों को समझना शुरू करो छोटी छोटी चीजें समझ रहे हो हाँ तो हाँ माइंड पावर चार तरह की ताकत है चारों तरह की ताकत को डिनोट करने के लिए इन सबके लिए हमें या तो कैन इस्तेमाल करना होता है या कोड इस्तेमाल करना होता है और इन दोनों में क्या फर्क होता है इसको प्रेजेंट टेंस में और इसको पास्ट में बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है बताओ कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई अब इसके तुरंत बाद हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ कौन कौन बता सकता है कौन कौन बताएगा कि यहां पर जो कुछ भी मैंने सिखाया ये आराम से समझ में आ गया एग्जाम में भूल जाते हो ना उसके लिए प्रैक्टिस की भी तो जरूरत पड़ती है दोस्त ऐसे कैसे काम चलेगा थोड़ा फास्ट चले तो चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ चलो भैया फास्ट चल लेते हैं हमें क्या जा रहा है देख लो कैन और कुड़ का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हा भाई कैन और कोड का पता चल गया आपको बताओ आपके पास देखो मैंने कहा कि भाई साहब सर मुझे भी आपकी तरह 200 में से 200 नंबर लेके आने है क्या करना चाहिए मैंने कहा 200 में से 200 लाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है मैं तो 200 में से 201 लेके आया हूं है ना मैं तो 200 में से 201 लेके आया हूं 200 सौ तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते बताओ तो भैया मैंने कहा कि क्यों नहीं ला सकते कोई भी ला सकता है लेकिन कब ला सकता है बताओ कब ला सकता है अगर वो व्यक्ति हार्डवर्क करे तो तो ये यहां पे किस बात किस चीज की बात हो रही है यहां पे सीधी सीधी बात हो रही है एबिलिटी की भाई एबिलिटी जिस व्यक्ति के पास है जो भी हार्डवर्क करना जानता है उसको 200 में से 200 लाने में कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं लेकिन उसके लिए उसने कंडीशन रख दी है कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा वो ला सकता है मतलब एबिलिटी की बात हो रही है किसकी बात हो रही है एबिलिटी माइंड पावर की बात हो रही है कोई भी दो में से 200 स्कोर कर सकता है यार जिसके पास दिमाग तेज है पढ़ने में तेज है हार्ड वर्क करना जानता है अच्छा दूसरे वाले सेंटेंस में कौन बताएगा दूसरे वाले सेंटेंस में कौन बताएगा फटाफट से बताना जल्दी से दूसरे सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है किस तरह के आ, पावर की किस तरह की एबिलिटी की बात हो रही है बताओ किस तरह की एबिलिटी की बात हो रही है हाँ जैसे एनी वन कैन टॉप द क्लास कोई भी व्यक्ति फिर से वही है कोई भी व्यक्ति टॉप कर सकता है क्लास में ऐसा नहीं है कि ए, चुनिंदा लोग आते हैं टॉप करने के लिए आप मेहनत करना शुरू कर दो आप अपने दिमाग को थोड़ा तेज कर लो आपका भी जो है स्कोर अच्छा हो जाएगा आप भी टॉप कर सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कैन अच्छा एक और यूज मैंने आपको नहीं बताया वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा वापस लेके चलता हूं कि कैन का एक और यूज कहां पर होता है? एक एक्स्ट्रा यूज हम कैन का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा छोटी सी चीज है जैसे मान लो आप अपने दोस्त से कोई चीज मांग रहे हो तो आप उसके सामने हाथ नहीं जोड़ोगे आप या तो थप्पड़ मारोगे या कुछ उल्टा सीधा बोल करके एक हक से एक पोजिशन के साथ आप उससे कोई चीज मांग लेते हो एक होता है आप अपने टीचर से कोई चीज मांग रहे हो या आप अपने पिताजी से कोई चीज मांग रहे हो जैसे मान लो पिताजी पिताजी की की बाइक है है या पिताजी की कार है उसको मांगना चाहते हो तो आप उनके सामने हाथ जोड़ोगे गिड़गिड़ाओगे रिक्वेस्ट करोगे या फिर तमीज में पेश आओगे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मतलब किसी से अगर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आपकी बाइक ले जा सकता हूं आज क्या मैं आपसे दो मिनट बात कर सकता हूं एक ये तो होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट हाँ भाई फोन ले लू आज ऐसे करके फोन ले लो आज 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 के लिए फोन, वो मना भी करेगा तब भी ले जाओगे इस इस तरह तरह की की जो रिक्वेस्ट 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 होती है, इस तरह की रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट नहीं कहते, बोल सकते हो कि कभी हम दोस्तों से जब परमिशन लेते किसी काम को करने की तेरा फोन यूज कर रहा हूं बाइक तो उसको कहा जाता है ठीक है हम क्या इस्तेमाल करते हैं कैन का यूज करते हैं ठीक है फॉर्मल परमिशन मांगने के लिए फॉर्मली जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वहां पर मे यूज करते हैं ठीक है क्या यूज करते हैं मे मैं अभी आगे चल के बताऊंगा तो यहां पे जब भी किसी व्यक्ति से किसी दोस्त से या किसी से भी अगर आप फॉर्मली किसी चीज के लिए डिमांड करते हैं परमिशन लेते हैं तो वहां पर भी कैन और कुड का इस्तेमाल कर लिया जाता है जैसे अगर आप अपने दोस्त से या किसी ऐसे ही फ्रेंड से या छोटे भाई से अगर फोन मांग रहे हो तो आप वहां पर कैन का यूज कर सकते हो यहां पर मे का भी यूज कर सकते हो बट मे यूज किया जाता है फॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल परमिशन के लिए और कैन का यूज करते हैं कैजुअल परमिशन के लिए क्लियर तो यहां पे लिखा हुआ है कैन आई यूज योर मोबाइल फोन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कु आई टॉक टू योर सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या मैं तुम्हारे सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकता हूं तो रिक्वेस्ट के लिए यहां पे भी कोड लगा दिया तो यहां पे कैन और कुड दोनों में सही है यहां पर ऊपर वाले में कैन क्यों सही है क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेज में एबिलिटी की बात हो रही है कुछ क्वेश्चन और भी है जरा देख लेते हैं देखो ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोल सकता है एकदम फ्लुएंटली इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है किस तरह की एबिलिटी है माइंड वाली एबिलिटी है तो यहां पे हमने कैन यूज कर लिया नो no इश्यू भाई यहां पर हमने क्या यूज कर लिया कैन यूज कर लिया किस लिए एबिलिटी के लिए एबिलिटी दिखाने के लिए हमने कैन लगा लिया ऐसे नीचे वाले में देखो फिर से एबिलिटी बता रहा है कौन सी एबिलिटी है उसने कहा कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजिली मैं इस बॉक्स को ईजिली उठा सकता हूं बॉडी ताकत ताकत है इसके अंदर तो बॉडी पावर के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई यहां पे लिख लो बॉडी पावर है इसके पास ठीक है शारीरिक क्षमता है इसके अंदर बॉडी पावर शारीरिक क्षमता के लिए कैन और कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं नीचे लिखा है दे कुड नॉट रीच द वेन्यू ऑन टाइम वो वेन्यू पे जहां पे भी प्रोग्राम हो रहा था उस जगह पर वो समय से नहीं पहुंच सके वो समय से उस जगह पर नहीं पहुंच सके जहां पे प्रोग्राम हो रहा था तो हमने यहां पे मॉडल वर्ब कुड लगाया क्यों बताओ क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं थी अगर किसी व्यक्ति के पास क्षमता है किसी काम को करने के लिए तो वहां पर कैन और कुड लगा लिया जाता है और अगर क्षमता नहीं है तो कैन और कुड के साथ नोट लगा दिया जाता है बात खत्म मैंने कहा मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते आई कैन डू यू कैन नॉट डू बात खत्म तो जो व्यक्ति कर सकता है पॉजिटिव सेंटेंस नहीं कर सकता नेगेटिव सेंटेंस बट क्षमता तो दोनों में ही होती है यहां पे किस तरह की क्षमता की बात हो रही है भैया टाइम पावर की बात हो रही है टाइम एबिलिटी की बात हो रही है जिसके पास टाइम की एबिलिटी नहीं है मतलब वो वेन्यू पर टाइम से नहीं पहुंच पाए समय पर नहीं पहुंचे समय के बाद पहुंचे आई कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं मैथमेटिकल क्वेश्चन एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर एम के लिए कौन से बैच लेना है एम के लिए आप बैच ले लो हैजैग एट इंग्लिश फाउंडेशन हैजैग एट या फिर रिकॉर्डेड ले लो कंप्लीट रिकॉर्डेड वो भी सही है दोनों ही सेंटेंस सही है क्लियर तो दे कुड रीच ये वाला भी हो गया आई कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चन किसी भी तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि यहां पे भी माइंड पावर की बात की जा रही है नाउ यू कैन गो फॉर्मली जब हम किसी को अलाउ करते हैं परमिशन देते हैं परमिशन देने के लिए भी हम लोग कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पे लिख सकते हैं जब हम किसी को परमिशन देते हैं टू गिव परमिशन जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो भी कैन का यूज कर लेते हैं कि अब तुम जा सकते हो आपका सर रिकॉर्डेड बैच लिया है प्लिन टू पैरामाउंट करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं जो बैच से पढ़ते हैं उनको किसी तरह की बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट प्रेजेंट ठीक है उसको मैं इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप किताब छोड़ो उस जो बैच है उसी के कंटेंट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे ठीक है हाँ चलो भाई आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अब आ जाते हैं मे और माइट का यूज सभी लोग अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ोगे ना तो सब ऊपर होके निकलता रहेगा आप मेरी तरफ देखते रहोगे चुपचाप मुझे देखते रहो शांति से यस यू कैन गो ठीक है निधि जा सकते हैं आप मे और माइट में क्या फर्क होता है जरा चेक कर लें बताओ देखो पहला यूज यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप मे और माइट को यूज करना चाहते हैं तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी की बात होती है सर ये पॉसिबिलिटी क्या होता है किसी काम को होने की संभावना किसी भी काम को होने की संभावना मैंने कहा तुम पास हो सकते हो क्यों तुम पास हो सकते हो क्यों क्योंकि तुम होशियार हो तुम इंटेलिजेंट हो स्टाफ माइंडेड हो तुम्हारे अंदर क्षमता है इस कुछ करने की तो इसका मतलब है क्या इसका मतलब है कि ये व्यक्ति के पास होने की संभावना है मैंने कहा तुम नहीं कर सकते यार तुम्हारी मुझे संभावना कम लग रही है क्यों क्योंकि तुम थोड़े से कमजोर हो तुम पढ़ाई में कमजोर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो दो तरह के लोग हो गए एक कर सकता है एक नहीं नहीं कर सकता सकता लेकिन दोनों में ही फिक्स कुछ भी है है हो सकता है जिसकी उम्मीद करी थी नहीं कर सकता वो कर जाए हो सकता है जिससे ज्यादा उम्मीद कर बैठे वो ना कर पाए समझ रहे हो आसिकों की कमी नहीं हो सकता है वो में पड़ गया बेचारा तो कुछ भी हो सकता है फिक्स दोनों में से कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी दोनों की है एक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एक की पॉसिबिलिटी कम है तो जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जिसकी संभावना ज्यादा होती है कि यह व्यक्ति कर सकता है मुझे इस पर ज्यादा भरोसा है इसकी संभावना ज्यादा है तो किसी भी चीज की ज्यादा संभावना होती है तब हम में लगाते हैं ज्यादा संभावना हिंदी में पढ़ना सीखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना सीखो भाई मैं दोनों तरह के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं ठीक है ज्यादा संभावना आप कह सकते हो मोर पॉसिबिलिटी मोर पॉसिबिलिटी ठीक है जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तब हम लगाते हैं मे और कम पॉसिबिलिटी होती है कम कम संभावना तब हम लगाते हैं माइट लेस पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी ठीक है Less possibility. Less possibility. अच्छा ज्यादा से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तब क्या लगाएंगे ज्यादा से भी ज्यादा मैंने कहा इस व्यक्ति को तो कोई फेल ही नहीं कर सकता इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं इसको तो मैंने खुद पढ़ाया है और एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट है इसको कोई फेल नहीं कर सकता तो ऐसी पॉसिबिलिटी चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे हम जब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई बोल दे तो वहां पर लगा देते हैं मस्ट मस्ट का भी यूज कर लिया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए ग्रेट पॉसिबिलिटी जब हद से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना 99.9 परसेंट ग्रेट पॉसिबिलिटी तो ग्रेट पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का भी यूज कर लिया जाता है कितने लोगों को पॉसिबिलिटी वाला सेंस जो है समझ में आ गया कि अगर पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है मे और माइट और मस्ट भी यूज कर लेते हैं चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं देखो एक सेंटेंस तो देखा है इट मे रेन टुनाइट आज रात बारिश हो सकती है लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा कि ज्यादा है कि कम है पता कैसे चलेगा इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कम पॉसिबिलिटी है तो आपको न्यूट्रल रहना है जब सेंटेंस ही न्यूट्रल है तो आप भी न्यूट्रल हो जाओ आप क्यों दिमाग को खर्च कर रहे वे फिजुल में जब यहां पर कोई भी हिंट नहीं दे रखी कोई भी इंडिकेशन नहीं है तो जो लिखा है वही सही है जो आप कहो वही सही प्रभु ऐसे ही नीचे वाले में देखो यहां पर उसने क्या लगा दिया माइट यहां पर माइट लगा दिया लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हिंट नहीं दे रखा तो दोनों ही सेंटेंस सही है बस एक बात कह सकते हो ये भी सही है ये भी सही है इतना कह सकते हो कि भैया यहां पर मैं लिखा है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है या मायर लिखा है तो कम पॉसिबिलिटी है यहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है मोर और लेस दो सेंटेंस एक में कम पॉसिबिलिटी एक में ज्यादा लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हिंट दे रखा होता है एक सेंटेंस के अंदर क्या दे रखी होती है हिंट दे रखी होती है जैसे यहां पे लिखा हुआ है इट इज सनी आउटसाइड सनी सनी जानते हो सनी का मतलब सूर्य मतलब धूप धूप सनी मतलब धूप तो बाहर बहुत ही धूप है बाहर बाहर बहुत धूप है अगर मान लो बाहर बहुत धूप होगी तो क्या वहां पर बारिश हो सकती है कितने चांस हो सकते अनएक्सपेक्टेडली अगर कभी कभी धूप में बारिश तो कभी कभी होती है अदरवाइज बारिश होने से पहले बादल मडराते रहते हैं काला काला सा साया आ जाता है चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है तब जाके बारिश होती है तूफान चलेंगे आंधी आएंगी तब जाके बारिश होती है, है कि नहीं लेकिन धूप में अक्सर रेयरली बारिश होती है कि धूप भी निकल रही है और बारिश भी होती है ठीक है तो वहां पर पॉसिबिलिटी तो है बट कितनी पॉसिबिलिटी कम पॉसिबिलिटी होती है यानी कि यहां पर अब आप मे नहीं लगा सकते इसमें तो मे यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहर धूप खुल रही है तो यार बारिश होने के बहुत कम चांसेस होते हैं ठीक है हाँ कम संभावना होगी क्योंकि धूप निकल रही है तो यहां पे हमने माइट लगा दिया ऐसे ही आपके पास दो या चार ऑप्शन दे रखे होंगे आप उसमें से आंसर लगा देना है ना समझ में आना चाहिए एक एक चीज कम पढ़ लो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ लो एक बार मॉडल वर पढ़ के जाओगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी चाहे कहीं से भी कुछ भी लगा लेना किसी भी तरह का क्वेश्चन लगा लेना कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लो बस इतना काफी है ठीक है घर बैठ के पढ़ो आराम से पढ़ो कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी फ्री में पढ़ना चाहते हो फ्री में पढ़ा रहा हूं भैया हमारे तो वीडियो पर मॉडिटाइजेशन भी नहीं है हमारे वीडियो पे ऐड भी नहीं आता आप वीडियो खोलोगे सीधे आपको मैं दिखाई दूंगा मेरी गंदी शकल दिखाई देगी आपको कोई एडवर्टाइज नहीं दिखाई देगा समझ रहे हो तो जो भी फ्री में पढ़ रहा है यूट्यूब से रेगुलरली आप रात को दस बजे फ्री होके आओ आराम से है ना डेली क्लास लो ऐसे देखो नीचे कह रहा है यहां पर कि द स्काईज क्लाउडी पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है अब भाई साहब मौसम रंगीन है क्योंकि बादल है बादल मतलब क्लाउडी मतलब बादल और बादल जब छाए हुए हैं आसमान में तो कैसा माहौल होता है भैया अब तो बारिश होने वाली है तो अब ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी भाई साहब किसी भी काम को करने की अब तो बारिश हो सकती है जब माहौल गड़बड़ाया हुआ है चारों तरफ बादल गरज रहे हैं ठीक है तो वहां पर क्या होगा जब माहौल क्लाउडी है बादल छाए हुए हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है ज्यादा पॉसिबिलिटी है तुम में अच्छा एक होती है ग्रेट पॉसिबिलिटी ग्रेट पॉसिबिलिटी वाला मैं एक क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा अपनी तरफ से आप उसका आंसर करना ठीक है मैंने कहा ही Travels He travels in in private jet and stays in five star five star hotels Hotel as a leglo, comma, he He may, might. He may, might or must. Rich. Be rich. एक सेंटेंस जरा सभी लोग चेक करके बताओ गोरखपुर से प्रणाम फेंक रहा हूं गुरुदेव आपके चरणों में ठीक है भाई लपक लिया मैंने बताओ भाई फटाफट से सभी लोग कौन बताएगा इसका आंसर बताओ जल्दी से एक सेंटेंस लिखा ही ट्रेवल्स इन प्राइवेट जेट जेट जानते हो? प्राइवेट हेलीकॉप्टर जिसके पास खुद का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है मेरे दोस्त और वो फाइव स्टार होटल में रुकता है प्राइवेट हेलीकॉप्टर में चलता है तो वो पैसे वाला हो सकता है लेकिन कितना कम पैसे वाला पैसे वाला होने के चांसेस कितने हैं? कम ज्यादा या हद से ज्यादा यार साफ साफ लिखा हुआ है कोई टमाटर बेचने वाला तो प्राइवेट जेट नहीं लेगा है ना कोई गोलगप्पे बेचने वाला व्यक्ति तो फाइव स्टार होटल में नहीं रुकेगा ये भी तो आप भी जानते हो और अगर मान लो कोई गोलगप्पे बेचने वाला है चाय बेचने वाला बन भी गया करोड़पति तो ऑब्वियसली उसके पास पैदा बहुत ज्यादा होगा तभी वो हवाई जहाज में घूम रहा है खुद के में प्राइवेट जेट में या और फाइव स्टार होटल में रुक रहा है तो मेरे दोस्त फिर यहां पे हद से ज्यादा पॉसिबिलिटी है ग्रेट पॉसिबिलिटी इसमें तो यार पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है वो डेफिनेटली पैसे वाला होगा तो यहां पे ना माइट आएगा ना मे आएगा यहां पे आएगा मस्ट क्या आएगा मस्ट आएगा कितने लोगों को मे माइट और मस्ट की बात पॉसिबिलिटी के सेंस में क्लियरली समझ में आ गई है तभी मैं आगे बढ़ूंगा एक बार मुझे बता दो मैंने आपको कैन और कुड़ भी समझा दिया मे और माइट भी समझा दिया अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है समझानी सिखानी है लेकिन पहले आपको मुझे एंश्योर करना पड़ेगा ऑल इज क्लियर फटाफट से बताओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा जिसको समझ में नहीं आया है वो भी बताएगा मैं उसको समझाऊंगा समझाने का ठेका सिखाने का ठेका मैंने ले रखा है बस आप अपना काम कर दो समझने का ठेका ले लो समझने की जिम्मेदारी खुद ले लो समझाने की मैं ले लूंगा सर मैं इंग्लिश ग्रामर से डरता हूं एग्जाम में इंग्लिश क्वेश्चन को इग्नोर करता हूं फिर मैं दो महीने आपसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा अभी मैं राजस्थान सीटेट का एग्जाम दिया तो इंग्लिश में एक भी गलत नहीं हुआ क्या बात है मेरे शेर ये है असली शेर चलिए आगे चलते हैं फिर सिखाने का तो मैंने ले रखा है देखो एक दो एग्जाम्पल और भी हैं मे और माइट के कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जैसे राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट मान लो राहुल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो व्यक्ति पास हो सकता है उसके पास होने के चांसेस कितने हैं ज्यादा की कम बताओ इट मे पास या इट माइट पास द एग्जाम जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसकी कितनी कितनी क्षमता होगी मतलब कितनी पॉसिबिलिटी होगी पास होने की जो इंटेलिजेंट है डेफिनेटली पास हो सकता है लेकिन एक परसेंट चांस हो सकते हैं वो फेल हो जाए तो ज्यादा पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कम तो नहीं हो सकती ना हाँ अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है मे और माइट का जो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं ठीक है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहां पे लिख लेना मेरे प्यारे साथियों एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मे और माइट का उसको सभी लोग यहां पे अलग से समझ लो तभी आपको समझ में आएगा अदरवाइज उड़ जाएगा अगर किसी सेंटेंस में सो so दैट लिखा हो तो सो so दैट के साथ में जो पेयर कंजेंशन होता है या तो आप मे लगा सकते हो या माइट लगा सकते हो सर ये सो so दैट क्या होता है सो so दैट का मतलब होता है ताकि ताकि क्या होता है ताकि आप मुझे पैसे दो ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। सर आप मुझे पढ़ाओ ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। ठीक है तुम थोड़ा पढ़ लो ताकि एग्जाम में पास हो जाओ समझ रहे हो तो जब भी सो so दैट किसी सेंटेंस में यूज होगा तो सो so दैट के साथ आगे जो पेयर कंजेंशन होता है वहां पर मे और माइट का यूज किया जाता है ये एक्स्ट्रा एडिशनल है ठीक है तो आप देख लो इस क्वेश्चन में यही गलती है यहां पे लिखा वी ईट हम खाते हैं भाई तुम क्यों खाते हो खाना क्यों खाते हो खाना क्यों खाते हो बताओ ना ताकि हम जिंदा रह सके और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम्स में ठीक है वो कह रहा है वी ईट हम खाते हैं ताकि वी हम जिंदा रह सके वी कैन अलाइव अलाइव मतलब जिंदा रहना ठीक है अलाइव मतलब जिंदा रहना तो हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके तो मे और माइट में से कुछ लगाना पड़ेगा कैन और कुड में से कुछ भी मत लगा देना अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि टेंस हमारा प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट में हम मे लगाएंगे प्रेजेंट में क्या लगाएंगे मे जब भी सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो मे लगाएंगे पास्ट में होगा तो माइट लगाएंगे बात खत्म प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट तो ये हो जाएगा वी ईट सो दैट वी मे अलाइव एक और सेंटेंस लिखा है वी ज्वाइन ओपन स्टडी हमने ओपन स्टडी को ज्वाइन किया क्यों किया भाई तुमने ओपन स्टडी को ज्वाइन सो दैट ताकि हम भी अनिल जादव सर की तरह हम भी अनिल जादव सर की तरह हर एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में 50 में से 50 30 में से 30 200 में से 200 100 में से दो सौ सौ में से 100 ला सके इसीलिए तो आपने ओपन स्टडी ज्वाइन किया है तो फिर से यहां पे कैन और कुड़ या फिर मे और माइट दोनों में से क्या लगाओगे कुड तो नहीं लगा सकते माइट लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है देखो सेकंड फॉर्म है पास्ट हो गया पास्ट होगा तो माइट लगा दिया बात खत्म चलिए बहुत शानदार ठीक है तो अगर आपने ओपन स्टडी ज्वाइन कर लिया है तो डेफिनेटली मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उस लेवल पे तैयार करूं मैं उस तरीके से तैयार करूं कि आप भी एक दिन मेरी तरह 50 में से 50 100 में से 100 200 में से 200 लाने के काबिल हो जाओ एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट में नहीं तो इंग्लिश में तो ले ही आओ। इतना तो टॉपर बना दूंगा मैं तुम्हें। चलो भाई एक और कॉन्सेप्ट होता है मे का उसको भी सीख लेते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन के लिए कि कृपया मुझे जाने दो मुझे ये काम करने दो क्या आपका मैं फोन यूज कर सकता हूं बट फॉर्मली कैजुअली नहीं कैजुअली जब आप किसी से परमिशन लेते हो तो कैन का यूज करते हैं। फॉर्मली और कैजुअली का मतलब होता है औपचारिक तौर पे और अनौपचारिक तौर पे। औपचारिक होता है रिक्वेस्ट के साथ पोलाइटनेस के साथ सभ्यता के साथ फॉर्मल फॉर्मल रिक्वेस्ट ये जो रिक्वेस्ट है ना परमिशन ये फॉर्मल परमिशन होती है ठीक है एक होती है फॉर्मल परमिशन दो तरह की परमिशन होती है मेरे प्यारे भाई बंधु फॉर्मल परमिशन होती है सभ्यता के साथ तमीज के साथ, सभ्यता सभ्यता के साथ जैसे अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो किसी सीनियर से बात कर रहे हो पिताजी से बात कर रहे हो किसी इज्जतदार व्यक्ति से बात कर रहे हो तो फॉर्मली तमीज में आओगे दोस्त से बात करोगे तो रूड रूडली या कैसे भी बात कर सकते हो इशू कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर कैन यूज करेंगे बट यहां पे हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं मे यूज करते हैं टू रिक्वेस्ट किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी हो या परमिशन लेनी हो, आज्ञा लेनी हो आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए आप बोलते हो ना जब भी अंदर आते हो तो क्या बोलते हो प्लीज कम इन प्लीज मे आई कम इन सर ऐसे करके बोलते हैं मे आई कम इन सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर तो यहां पे ऐसे बोलते हैं जैसे यहां पे लिखा है मे आई कम इन सर फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है इसमें फॉर्मल परमिशन फॉर्मली आस्किंग परमिशन ऐसे लिख लो फॉर्मली आस्किंग परमिशन जब आप परमिशन लेते हो किसी भी व्यक्ति से वो भी फॉर्मली तब हम लोग यूज करते हैं ठीक है यहां पे देख लो मे लिखा हुआ है ऐसे ही यहां पे भी मैं लिखा हुआ है मे आई यूज योर पेन आई हैव लॉस मेरा वाला पैन खो गया है तो मैं आपका पैन यूज कर सकता हूं फॉर्मली अगर आप परमिशन ले रहे हो तो मे आई हैव अ ड्रिंक प्लीज क्या आप मुझे एक ड्रिंक दे सकते हैं आप ड्रिंक का मतलब दारू मत समझ लेना सिर्फ पानी भी होता है ठीक है भैया ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी ना और सब कवर करा दोगे ना हाँ भैया वादा कर दो रोज आप पढ़ूंगा वादा ही है मेरे दोस्त जब ये स्टार्ट किया है तो सोच समझ के कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है 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 आपके लिए ठीक मॉडल पढ़ रहे हैं तो तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हर चीज की हो सकती देखो ना ग्रांट परमिशन नहीं मिल सकती हाँ हंड्रेड परसेंट नहीं लेकिन नाइनटी नाइन परसेंट तक तो यही वादा है यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊं जो कि मैं पढ़ा रहा हूं और कई बार तीन चार बार पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी ठीक है अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो भी आप एक तरीको एक तरीके से इंस्पेक्टर बनने लायक इं, इंग्लिश तैयार कर सकते हो ठीक है पुरानी वीडियो भी पढ़ लोगे ना तो भी आप लोगों की इतनी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा ठीक है लेकिन कोई बात नहीं फिर भी पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको मे का ये सेकेंड रूल भी समझ में आ गया होगा जब भी आप परमिशन मांगते हो रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पे मे लगा लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मे आई गो होम सर क्या मैं घर जा सकता हूँ सर सर मैडम प्लीज ऐसे लगाओगे तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती हैं ठीक है फॉर्मल परमिशन मांगते हैं फॉर्मली ठीक है तो बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया मेक का सेकेंड रूल सेकेंड कॉन्सेप्ट जल्दी से बताओ आप लोग वादा करो फटाफट से कि डेली क्लास लेने आओगे समझ गए चलो एक और मे का यूज कहां पर किया जाता है ये भी समझ लेते हैं देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जानते हो बताओ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हें खूब धन दौलत दे मेरी इच्छा है मैं चाहता हूं कि भगवान तुम्हारे पर खूब वर्षा करे धन की मैं चाहता हूं कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे मैं चाहता हूं भगवान तुम्हें सरकारी नौकरी दे मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र फले फूले बड़े बुजुर्ग नहीं देते आशीर्वाद मेरा बेटा जीता रहे तो ऐसे जो सेंटेंस जो होते हैं इनको कहा जाता है इच्छा सूचक इच्छा सूचक वाक्य अब इच्छा सूचक वाक्य जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों इसको कहा जाता है इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो भी इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में समझ लें जो हिंदी वाले मेरे विद्यार्थी हैं वो हिंदी में पढ़ लें ठीक है हर तरह से पढ़ा दूंगा आपको टेंशन मत लेना हाँ वो कैबलरी भी करवाएंगे डेली है ना वो कैबलरी सुबह में चला करेगी आप तो मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपको खुश रखे यू माई डियर स्टूडेंट्स ऐसे करके मैंने विश कर दिया तो लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन लगा होता है इससे पता चल जाता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ठीक है इसकी पहचान क्या होती है कि ये वाला साइन लगा होता है आखिरी में ठीक है और सेंटेंस की शुरुआत भी मे से होती है मे गॉड ब्लेस यू मे यू लिव लॉन्ग आप जुग जुग जियो मे यू गेट फर्स्ट पोजिशन इन योर एग्जामिनेशन जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप फर्स्ट पोजिशन पे आओ पहली पोजिशन पे आओ मैं कामना करता हूं तो ये जो विशेष होती है इनको कहा जाता है ऑप्टिकटिव सेंटेंसेस क्लियर गुजराती वाले कैसे समझें गुजराती वाले समझेंगे हिंदी ठीक है चलो तो ये मे का पार्ट खत्म हो गया मे और माइट ही कंप्लीट हुआ अब आ जाते हैं मस्ट की तरफ मस्ट के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जब आप दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे हाँ बिल्कुल पेड बैच जैसा ही पढ़ाया मैंने अभी से एक। जैसे हम पेड बैच में पढ़ाते हैं वैसे ही फ्री में पढ़ा रहा है यही कंटेंट आप लोगों को पेड बैच में भी मिलेगा ठीक है सेम ऐसा ही मतलब अरे यार इंग्लिश इंग्लिश होती है एज आर एम में यहां पर पढ़ाऊंगा एज आर एम में पेड में पढ़ाऊं पढ़ाऊंगा तो है ही ना उससे मतलब नहीं होता है बस ये होता है कंटिन्यूटी कहां पर है आप कंटिन्यूटी कहां पर रख पाते हो जब भी हमारे स्टूडेंट्स पेड क्लास में पढ़ते हैं प्रीमियम क्लासेस में पढ़ते हैं वो वादे के पक्के होते हैं वो अगर एक बार प्रीमियम क्लासेस ले लेते हैं तो वहां पर रेगुलर क्लास लेते हैं अगर रेगुलर क्लास लेते हैं तभी फायदा होता है पेड क्लासेस का भी अब रेगुलर क्लास चाहे पेड क्लास में लो या फिर फ्री वाली में लो लेकिन अगर रेगुलर क्लास टीचर भी और स्टूडेंट दोनों लेते हैं तभी फायदा होता है किसी भी चीज को सीखने सिखाने का ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाया जा रहा है डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ क्लास दे दिए बच्चा अपने मजे काट रहे कभी पढ़ लिए एक दिन आए चार दिन गायब तो क्या ही सीखेगा वो टीचर दो दिन पढ़ा के चार दिन नहीं आए तो बच्चे क्या सीखेंगे तो ये होता है आप लोगों के पास जो बहुत सारी चॉइसेस हो गई है ना ऑप्शंस ज्यादा हो गए हैं यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा रहा है हम तो कहीं से भी पढ़ लेंगे तुम्हारी जरूरत ही नहीं हमें सर हमारे पास तो हजारों सर हैं अब हमारे पास भी हजारों टीचर हो गए तो आपके पास हजारों टीचर हो गए यूट्यूब पे आप कहीं से भी पढ़ लोगे आप हमें कुछ समझ ही नहीं रहे हो तो किसी भी टीचर को अगर आप कुछ नहीं समझोगे आपके पास हजारों चॉइसेस हो गई हैं इसमें आपका ही नुकसान है क्योंकि आपको हजारों से नहीं एक से पढ़ना है और एक को पकड़ लो उसका साथ मत छोड़ो टीचर को भी और स्टूडेंट को भी एक टीचर और एक स्टूडेंट मतलब जो भी पढ़ रहा है वो एक ही टीचर से पढ़ेगा ठीक है और टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो अपना कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाता रहेगा तभी उसका रिजल्ट आएगा अदरवाइज तो कुछ नहीं देखो मस्ट के दो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक तो मस्ट हम तब यूज करेंगे जब कंपल्सन की बात होती है सर ये कंपल्सन क्या होता है कंपल्सन जानते हो कंपल्सरी जानते हो अनिवार्य तो जब कोई ऐसा कार्य होता है जहां पर अनिवार्यता अनिवार्यता दिखाई देती है दृढ़ता बोल सकते हो ठीक है अनिवार्यता ही लिख लो इससे समझ में आ जाएगा अनिवार्यता का मतलब होता है कि आपको यह काम करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए तब वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं ठीक है मस्ट यूज किया जाता है अनिवार्यता एक्सप्रेस करने के टू एक्सप्रेस कंपल्सन कंपल्सन बना है कंपल्सरी से कि यह काम कंपल्सरी है मैंने कहा कि भाई साहब तुम्हें दोस्तों में से दो नंबर लाने हैं एक सौ में, में।, में से एक सौ पैंतीस में लेके आने तुम्हें एक में से एक नंबर लेके आने सी एच में तुम्हें पचास में से पचास लाने हैं फ्री में कहा तो आपको पढ़ना पड़ेगा बारह घंटे रेगुलर तो आपको अगर बारह घंटे पढ़ना पड़ेगा ये कंपलसरी है तभी आएंगे दो में से दो ठीक है तो यहां पे आता है अनिवार्यता के लिए ठीक है अनिवार्यता के लिए वैसे लिखा दिया ऊपर मैंने इतना समझ में आ जाएगा ठीक है हाँ एक होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑबलाइजेशन सर ये ऑबलाइशन क्या होता है ऑबलाइजेशन क्या होता है ड्यूटी ठीक है स्ट्रॉन्ग ड्यूटी स्ट्रॉन्ग ऑबलाइजेशन कह सकते हो या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी दोनों का मतलब सेम होता है स्ट्रोंग ड्यूटी सर क्या होता है स्ट्रॉन्ग और लाइट नहीं जानते हो पैग नहीं जानते हो दारू के पैग किसी दारूबा से पूछ लेना वो बता देगा ठीक है हाँ वो बता देंगे स्ट्रॉन्ग ऑबलाइजेशन का मतलब होता है ऑबलाइजेशन का मतलब होता है कर्तव्य कर्तव्य ठीक है हाँ ऑबलाइजेशन और ड्यूटी दोनों का मतलब होता है कर्तव्य लेकिन दो तरह के कर्तव्य होते हैं एक ऐसा कर्तव्य होता है जिसको मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं है जनरल ऑबलाइजेशन एक होता है जनरल ठीक है जनरल ऑबलाइजेशन जनरल ऑब्लिगेशन में क्या होता है यहां पर हम लोग सुड यूज करते हैं ठीक है सुड या फिर बोल सकते हैं जनरल ड्यूटी जब आपको कोई जनरल ड्यूटी की बात करता है या जनरल सामान्य सामान्य कर्तव्य की बात करते हैं अगर सामान्य कर्तव्य की जैसे मैंने कहा कि तुम्हें बेटा अपना ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए ये ऐसा समय होता है इस पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी तो उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए तुम्हें तो पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए मैं यहां से बोल रहा हूं आप अपने घर पे पड़े हुए हो आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं दिख रहे मैंने बस आपको जनरल ड्यूटी बताई कि आपका कर्तव्य ऐसा करना चाहिए अब आप करो चाहे मत करो मैंने कहा आप अपने माता पिता की इज्जत किया करो यार ये करना चाहिए तुम करो ना करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये हो जाएगा आपका जनरल ऑब्लाइशन जनरल ड्यूटी मैंने कहा कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सौ में से सौ नंबर आ जाएं तो यहां आपकी मनमानी नहीं चलेगी अगर आप मेरे पास क्लास में आ रहे हो और मैंने कहा कि आप प्रॉपर ड्रेस में आओगे और तुम्हें अपने प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा तो ये हो गया स्ट्रांग ओवलाइजेशन स्ट्रॉन्ग ड्यूटी आपका कर्तव्य है कि आप घर से अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा अदरवाइज आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा भगा दिया जाएगा ठीक है हाँ, तो उम्मीद है कि कंपल्सन ये भी समझ में आ गया, स्ट्रॉग ऑब्लाइशन ये भी समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग ऑबलाइशन के लिए मस्ट यूज करते हैं मस्ट और यहां पे भी मस्ट लेकिन जब जनरल ड्यूटी की बात करते हैं जनरल ऑबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर का यूज करते हैं ठीक है यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर एल्डर्स ठीक है ऐसे करके दोनों ही देख लेते हैं चलो देखो अगर कंपल्सन की बात करेंगे तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जैसे कि ये हो गया यू मस्ट फॉलो फॉलो मैंने कहा भाई साहब कॉलेज में अगर हमारे गुरुकुल में आना है तो 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी सुबह छह बजे उठना पड़ेगा आपको प्रॉपर आठ से दस घंटे लाइब्रेरी में बैठ के प्रॉपरली पढ़ाई करके रिजल्ट देख करके आपको शाम को टेस्ट जो आपका टास्क है वो चेक कराना पड़ेगा ये होता है ओपन स्टडी गुरुकुल में अब ये अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप घर जा सकते हो आपको घर भगा दिया जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये होता है राज सक्सेना हैप्पी बर्थडे मेरे भाई तो यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए ये हो जाएगा परम कर्तव्य ठीक है कंपल्सरी है काम इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है ऐसे hmm. यहां पे लिखा है यू मस्ट यू मस्ट वॉच द क्लास डेली तो मैं क्लास को डेली वॉच करना है अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम पड़ सकते हैं आपकी तैयारी कमजोर पड़ सकती है समझ गए मेरे भाई चलिए सरकार ठीक है ये हो गया आपका कंपल्सन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या है कंपल्सन है ये कंपल्सरी है भैया ये काम दोनों ही कंपलसरी है इसलिए हमने मस्ट लगाया नीचे वाले में देख लो ये कह रहा है वी मस्ट फाइट, वी मस्ट मस्ट फाइट फाइट फॉर कंट्री अगर आप जिस देश में रह रहे हो जिस मिट्टी में रह रहे हो जिस मिट्टी का खा रहे हो उस मिट्टी की रक्षा करना उस देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते आप अपने घर की अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप अपने देश के लिए अपने देश के लिए नहीं लड़ोगे तुम देशद्रोही कहलाओगे ठीक है तो हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए यह परम कर्तव्य होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तुम अपनी जमीन के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए तुम्हें अपनी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए तुम्हें अपने माता पिता के लिए तैयारी करनी चाहिए तुम्हें अपने माता पिता के लिए इस दूसरे से लड़ना चाहिए इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा चाहो तो करो यह मत करो ये जनरल ऑबलाइजेशन होता है जनरल कर्तव्य होते हैं सामान्य कर्तव्य छोटे मोटे कर्तव्य होते हैं ये तो आपको करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं सुड लगा सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए करना चाहो तो कर लो नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप हमारी इज्जत करनी चाहिए आप करो तो भी ठीक नहीं करो तो भी ठीक बहुत से आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं बहुत से आते हैं आते ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हर तरह के स्टूडेंट हम किसी को कुछ नहीं कह सकते ये तुम्हारा सामान्य कर्तव्य है ठीक है लेकिन अपने पिताजी की तो इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि वहां नहीं करोगे तो वहां चॉइस नहीं है वहां तो जूते खाओगे पिताजी की इज्जत नहीं करोगे मार पड़ेगी फुल पोजेशन है तो वहां मस्त लगेगा हमारी इज्जत करोगे नहीं करोगे हमारे यहाँ सुड लगा सकते हो वहां मस्त लगाना पड़ेगा <clears throat> जैसे यहां लिखा हुआ है वी मस्ट यू मस्ट ओबे ओबे आज्ञा का पालन करना योर एल्डर्स जो भी आपसे बड़े होते हैं जैसे पिताजी हो गए बॉस हो गए टीचर हो गए या फिर आपके कोई भी रिलेटिव हो गए उनकी इज्जत करनी पड़ेगी उनकी इज्जत करनी पड़ेगी स्ट्रॉग पॉसिबिलिटी स्ट्रॉग सॉरी ओबलाइजन तो उम्मीद है कि आपको के में must का यूज करना ये आपको पता चल गया अब आगे बढ़ जाए अब आते हैं जो असली मॉडल वर्ब होते हैं विल और सेल विल और सेल में क्या फर्क होता है कौन सा कब यूज किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो बोल दो यस सर वी आर रेडी टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ विल और सेल और सभी लोग इसी नाम पे एक एक बार सेशन को लाइक कर देना ठीक है सभी लोग सेशन को लाइक कर दो ठीक है देखना भाई विल और सेल को समझ लेते हैं देखो विल और सेल को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं ठीक है फ्यूचर टेंस की बात करते हैं फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे विल और सेल सर विल और सेल में क्या फर्क होता है जब भी आप विल यूज करना चाहते हो तो हमारे कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे आपका पहले दोनों ही बता देता हूं जैसे सेल होता है विल होता है दोनों में क्या फर्क होता है सेल का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई और वी सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होता है यू बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही सी इट दे या फिर वन या कुछ और या फिर किसी का नाम किसी का नाम हो रोनू सोनू मोनू जो भी है इनके लिए हम विल लगाते हैं ठीक है हम्म सुन लो सारी चीजें बता रहा हूं ये तो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है हाँ अब जनरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है ये तो होता है बेसिक स्कूल वाला जनरल कॉन्सेप्ट में आप क्या कर सकते हो यहां पे जो विल है विल ये आई के साथ भी लगा सकते हो आप विल जो है आई और वी के साथ में भी लगा सकते हो जनरली ठीक है जनरली जनरली लगा सकते हो यानी कि इन मॉडर्न इंग्लिश इन मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है इसमें भी जनरली इसमें भी ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके कभी भी लगा दो नहीं आई और वी के साथ में भी हम लोग क्या लगा सकते हैं uh, लगा सकते हैं बट जनरली हमेशा नहीं देखो जरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं पूरा जैसे अगर कोई ऐसे लिखना चाहता है अगर कोई ऐसे लिखना चाहता है यू विल यू विल गो तो सही है अगर मैंने कहा क्या सर मैं आई के साथ सेल लगाना चाहूं आई सेल गो तो सही है दोनों सही है अगर किसी ने कहा ही विल गो ये भी सही है पहले तो मैं आपको आदत डाल रहा हूं फिर अभी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा किसी ने कहा सर दे, दे विल, गो याद रखना एक बात सुन लो पहले तो बीच में आप ये मत सोच लेना कि सर ने ये ही विल करा दिया तो ऐसा एग्जाम में आएगा यह बच्चों वाली चीजें हैं इससे सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं इससे ये डिसाइड नहीं होता कि यह एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा कि आपके तोते उड़ जाएंगे आपने वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा होगा गारंटेड कभी नहीं पढ़ा होगा अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो ही पढ़ा होगा और अगर आपने कहीं पर नहीं पढ़ा है तो आज बहुत सारी अच्छी चीजें सीख जाओगे वेल और सेल का एक एडवांस कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाऊंगा जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं सीजियल एग्जाम में मेन्स एग्जाम तक बनते हैं तो ये मत सोच लेना कि किसी भी किताब को ऊपर से जज नहीं किया जाता अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका मतलब मेरा फर्ज बनता है कि हर स्टूडेंट चाहे वो जीरो वाला हो चाहे हीरो वाला हो हर तरह के स्टूडेंट के मतलब की चीजें यहां से निकल के आए अगर कोई बेसिक स्टूडेंट है तो आपको जीरो से लेकर के उठा करके अच्छे लेवल तक की चीजें सिखा दें बस इसमें नुकसान अगर होगा आपका थोड़ा बहुत तो इतना होगा कि जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रखे उनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी चीजें जब आप आएंगी ना तो आपके मतलब की भी चीज आएंगी जो एडवांस स्टूडेंट मुझे देख रहा हो कोई और जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट होगा उसको तो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के चल रहा हूं तो जैसे आपने देखा कि यू के साथ विल लगा दिया आई के साथ सेल लगा 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 दिया दिया ही के साथ विल लगा दिया, दे के साथ साथ विल विल दे लिया आप चाहो तो आई और वी के साथ में भी विल लगा सकते हो गलत नहीं होगा आप लिख लोगे आई विल गो तो भी सही हो जाएगा ये भी सही है इसके हिसाब से मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सही है आई के साथ विल ठीक है वी के साथ में भी विल सही है वी विल गो भी सही है ये भी सही है आय के साथ सेल भी सही है लेकिन अब यहां पे देखो कहां कहां प्रॉब्लम होती है एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आय के साथ विल गलत हो सकता है वो कब होगा जरा चेक कर लें वो कब होगा बस जरा चेक कर लेते हैं देखो वो कहां पे होगा मैं आपको बताता हूं वो यहां पे होगा देखिए जरा जैसे आपने अभी अभी सीख लिया ये वाला जनरल कॉन्सेप्ट ठीक है कि वैसे तो विल जो है आई और वी को छोड़ के सब जगह आता है ठीक है लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होगी जैसे मान लो अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है जनरली लिखा है मैंने यहां पे देखना जरा क्या लिखा है मैंने यहां पे जनरली लिखा है जनरली का मतलब है जब तक सेंटेंस आपका असर्टिव होगा जब तक सेंटेंस आपका असर्टिव होगा ओनली इन असर्टिव सेंटेंस ये सिर्फ तब तक है जब तक आपका सेंटेंस असर्टिव है असर्टिव सेंटेंस सर ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है देखो असर्टिव सेंटेंस होता है एक ऐसा सेंटेंस जो या तो होगा आपका अफॉर्मेटिव या तो अफॉर्मेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव अफॉर्मेटिव या तो होगा आपका अफॉर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव जिसमें नॉट नहीं लगा है या होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस अगर आप लोगों ने टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्कूल में नहीं पढ़े हैं कि अफॉर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है फिर आपकी इंग्लिश हद से ज्यादा कमजोर है भाई ठीक है हाँ पीडीएफ कहां मिलती है ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है वहीं पर मिलती है ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है पीडीएफ ठीक है तो जनरली का मतलब जैसे अगर किसी ने बोल दिया आई विल गो तब तो ठीक है आई विल गो ठीक है नॉट गो भी ठीक है ये तो ठीक है ये भी सही ये भी सही है लेकिन क्या अगर आपने ऐसे बोल दिया विल आई गो तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा बिल्कुल कतई ठीक नहीं होगा भाई तो यहां पर आपकी मॉडर्न इंग्लिश फेल हो गई मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ में सेल की जगह विल भी लगा सकते हो सेल भी लगा सकते हो लेकिन सिंपल सेंटेंस में केवल असैटिव सेंटेंस में लगा सकते हो फॉर्मेटिव और नेगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आज भी आपको आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन गलत यहां पर सेल लगाना पड़ेगा आ गई बात समझ में ठीक है देखो जैसे मान लो एक ऐसे लिख दिया किसी ने विल वी विल वी बाई दिस प्रोडक्ट क्या हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे बता ना? ये सेंटेंस सही है क्या हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ये सेंटेंस सही है कि गलत है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर देखो विल लगा दिया वी के साथ यानी कि आई और वी के साथ विल लगा सकते हैं जनरली ठीक है विल आई और वी के साथ विल लगा सकते हैं जनरली लेकिन जनरली सिर्फ जनरली यानी कि हमेशा नहीं सिर्फ अफॉर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नोट करके लिख लेना लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं आई और वी के साथ सिर्फ सिर्फ सेल आ सकता है सिर्फ सेल आएगा और कुछ नहीं आएगा भैया सिर्फ सेल आएगा विल नहीं आ सकता तो वही रीजन है यहां पर भी विल नहीं आएगा यहां पर भी विल नहीं आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लो भैया तो यहां पे भी सेल आना चाहिए एक कंडीशन तो ये है जो आपको पता होनी चाहिए कितने लोगों को पता चल गई हम्म फटाफट बड़ से बताओ साक्षी गुप्ता अभी ये डीप नहीं है अभी ये बिल्कुल जनरल है है ठीक अभी डीप इससे भी बाद में आएगा अभी तो मैंने बिल्कुल मतलब ये एक होता है बच्चों वाला अब इसके बाद आएगा जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट होगा ना विल और सेल को लेके हाई लेवल कॉन्सेप्ट जिससे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं ना

उसके लिए हम विल और सेल का यूज करते हैं ठीक है हाँ कुछ हार्ड क्वेश्चन कराओ अभी करा रहे हैं इट इज वेरी इजी मेरे दोस्त क्रिकेट लेट जो है ना इंग्लिश में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है देखा जाए तो वो इजी पार्ट है बेसिक वर्ब वाला पार्ट है तो इजी ही होगा इसमें बहुत ज्यादा टफ जैसा कुछ नहीं है डराने वाली चीज मेरे पास नहीं है जो ईजी है वही करा रहा हूं अगर कुछ भी टफ आएगा तो इसके तुरंत बाद आने वाला उसको देख लेना अभी थोड़ी देर सब्र रखो ठीक है जैसे हमने देखा वन डे ही विल नो एक दिन वो जान जाएगा ठीक है भाई सी विल गो सी विल गो टू द कंपनी ठीक है विल सही है यहां पे लिखा हुआ will you. You, second person है है विल यू यू पर्सन उसके साथ में आ सकता है विल कोई दिक्कत नहीं है सेल आई सीट यू सीट यू सीट मतलब होता है बैठाना ठीक है तो यहां पे भी सेल सही है आई सेल गो आई सेल गो वाला सेल भी सही है आई के साथ सेल एकदम ठीक है किसी को कोई तकलीफ बताना जरा आई सेल गो वेन आई प्लीज जब मुझे मनाया जाएगा तब मैं जाऊंगा आई जाऊंगी जो कुछ भी है ठीक है आई सेल गो हो गया सेल आई सीट ये भी सही इंटरोगेटिव में यू के हिसाब से बिल एकदम ठीक है के हिसाब से विल एकदम ठीक है ठीक है ही के हिसाब से विल एकदम ठीक है सारे सेंटेंस सही है, सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ठीक है एक लिखा हुआ है टुमारो यानी कि कल फ्यूचर की बात हो रही है टुमारो आई सेल मैं जाऊंगा या जाऊंगी टू मार्केट टू बाय तु सम आइटम्स में कुछ आइटम्स खरीदने के लिए मार्केट में जाऊंगी कल सेल आई सी टी मतलब मैं आपको बैठा सकती हूँ ये सकता हूं ऐसे करके तुमार्के आई सेल राइट अ लेटर मैं एक पत्र लिखूंगी या लिखूंगा उसके लिए उसके लिए मैं एक पत्र लिखूंगा ठीक है तो यहां पर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं है हाँ ठीक है ये समझ में आ गया अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट विल और सेल का एक छोटा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है इवन मेरे लिए तो एडवांस नहीं है या फिर जो पहले से पढ़ रखे होंगे स्टूडेंट्स उनको भी एडवांस नहीं लगेगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ऊपर होके उड़ सकता है ठीक है ये एडवांस कैसे है ना मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूं तब समझ में आएगा जैसे मैंने कहा क्या मैं यहां पे क्या मैं यहां पे वी के साथ विल लगा सकता हूं या फिर छोड़ो क्या मैं यहां पे यू के साथ सेल लगा सकता हूं इज इट पॉसिबल चेक करना क्या यहां पर यू के साथ सेल आ सकता है कभी भी आई के साथ वी तो आपने पढ़ा होगा कई बारी ठीक है हाँ इसमें क्या दिक्कत है विल यू buy इट में क्या दिक्कत है, Will you में क्या दिक्कत है? Will you, UK साथ में सेकेंड पर्सन है? है तो विल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यू के साथ विल आ गया नो no इश्यू तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सही है इसमें कुछ कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा समझना चाहिए बोलते नहीं बगल में छोरा बगल, बगल नगर में ढिंडोरा चीजें बगल में छोटी सी चीजें लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ बड़ा तो नहीं है उसमें कुछ डरावना तो डरावना जैसा कुछ है ही नहीं है यू के साथ बिल आता है वो सही लिखा हुआ उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कंफ्यूज नहीं होने का जैसे यहां पे लिखा हुआ यू सेल लीव द रूम एट वंस तो क्या यू के साथ सेल आना चाहिए क्या कभी आपने सुना है कि यू के साथ में भी सेल आ सकता है कभी आपने सुना है कि राहुल के साथ में सेल आ जाए है? वो कैबरी जल्दी आएगी देखो तो यू सेल लीव द रूम एट वंस में सेल सही है उसका रीजन सुन लेते हैं देखो वी और सेल में से भी यहां पे वी के साथ में क्या आना चाहिए कायदे से वी के साथ में सेल में यहां पे सेल नहीं यहां पे सिर्फ विल आएगा यहां पे सिर्फ विल आएगा यहां पे दे के साथ में सेल आ रहा है देखो दे के साथ में सेल आ रहा है दे के साथ में सेल क्यों आ रहा है सही है और यहां पे एकदम सही है लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या बिल्कुल पॉसिबल है कब जरा समझ लेते हैं ये है एडवांस कॉन्सेप्ट ये है एडवांस कॉन्सेप्ट इसकी वजह से आ रहा है वहां पर दे के साथ सेल यू के साथ सेल क्यों आ रहा है जरा समझ लेते हैं जब किसी सेंटेंस में जब किसी भी सेंटेंस में सेंस होता है किस तरह का भाई अगर किसी भी सेंटेंस में सेंस है कुछ इस तरह का किस तरह का सेंस या तो उसमें प्रॉमिस की बात हो रही हो ठीक है प्रॉमिस यानी कि वादे की बात हो रही है अगर किसी सेंटेंस में वादा कुछ भी हो जाए मेरी जान मैं वादा निभाऊंगा मरते दम तक ऐसे करके वादा निभा देते हैं ना हम किसी से वादा कर देते हैं ठीक है एक होता है थ्रीट थ्रीट मतलब होता है धमकी अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मां कसम ऐसे तो ये होता है हमारा क्या धमकी एक होती है कमांड किसी को अगर आपने आदेश दे दिया और वो भी खतरनाक वाला ठीक है आदेश दे दिया या कंपल्सन की जब बात होती है कंपल्सन कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता अनिवार्यता तो यहां पे तो अनिवार्यता के लिए मस्ट लगाते हैं मस्ट की जगह आप सेल भी लगा सकते हो सेल और मस्ट लगा सकते हैं डिटर्मिनेशन निर्धारण डिटर्मिनेशन होता है निर्धारण जब कोई भी चीज दृढ़ होती है दृढ़ या दृढ़ता लिख सकते हैं मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा ठीक है मैं यहां से नहीं हिलूंगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मेरी जान ऐसे करके बोल देते हैं तो जो जाने नहीं आप दूंगा तू मान मेरी जान तो यही है डिटर्मिनेशन चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाने नहीं दूंगा डिटर्मिनेशन की बात हो रही है तो प्रॉमिस हो गया कंपलसन हो गया थ्रीट हो गई कमांड हो गई डिटर्मिनेशन हो गई इस तरह का सेंस अगर किसी सेंटेंस में है तो आप क्या कर सकते हो ठीक है आप क्या कर सकते हो आप विल और सेल को चेंज कर सकते हो आप विल और सेल को चेंज कर सकते हो ठीक है यानी कि जो हम अभी तक यू ही सी इट दे या किसी का नाम इनके साथ आप सेल लगाओगे ठीक है इनके साथ आप सेल लगाओगे और जो हमारा आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन उल्टा कर देते हैं बिल्कुल उल्टा जस्ट उल्टा ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई समझ गए तो आई और वी के साथ विल लगाओगे आई और वी के साथ क्या लगाओगे विल और बाकी के जो यू ही सी इट दे होते हैं इनके साथ लगाते हैं सेल उल्टा कब करोगी जब ये वाली सिचुएशन आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देगी जैसे अब चलते एग्जाम्पल की तरफ जैसे मैंने कहा आई के साथ विल आ रहा है तो आई के साथ विल जो एक तो होता है कि भैया मॉडर्न इंग्लिश वाला हो तो भी सही है एक होता है कि इस सेंटेंस के अंदर कहना क्या चाह रहा है इस सेंटेंस के अंदर ये कह रहा है आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ ये कह रहा है मैं अपना काम खुद करूंगा डिटर्मिनेशन मुझे किसी के बोल देते ना मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं मैं अपना काम खुद करूंगा डिटर्मिनेशन ठीक है इसमें डिटर्मिनेशन की बात हो रही है भाई हम्म तो डिटर्मिनेशन की बात जब होगी सेंटेंस में तो वहां पर भी क्या लगाओगे ठीक है तो वहां पर आई के साथ विल लगा सकते हैं चलो वी के साथ में सेल आ रहा है जनरल सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं ये तो वी के साथ में जनरल सेंटेंस है नॉर्मल सेंटेंस है नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है ये तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में वी के साथ में विल आ रहा है देखना वी के साथ में विल क्यों आ रहा है बताए ये कह रहा है वी सेल गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप नेक्स्ट मंथ ये तो फ्यूचर प्लानिंग बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ हम जो है बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं लेकिन वी विल गो टू मूवी हम मूवी जाएंगे नेक्स्ट मंथ ये क्या कर रहा है ये इसने नेक्स्ट मंथ फिक्स करके बोल दिया दोनों तरह से सही है यहां पे वी के साथ देखो पे वी के साथ सेल लगा दिया नॉर्मल सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं यहां पे विल लगा दिया मॉडर्न इंग्लिश है ऐसे भी सही हो जाएगा क्या हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश लेकिन यहां पे ये यह वी के साथ आई के साथ में विल क्यों नहीं लगाया अगर यहां पे मान लो किसी ने विल आई कर दिया होता तो ये गलत हो जाता क्यों नहीं बताओ ये यह यहां पे विल गलत होगा कि नहीं और क्या रीजन होगा यहां पे विल, विल गलत होने का ये बताना विल आई गो विद दाम यहां पे विल को मैंने गलत कर दिया अगर यहां पे विल होता तो गलत हो जाता यहां पे सेल क्यों आ रहा है बताओ क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं सेल लगाते हैं आज भी आई और बी के साथ ठीक है अच्छा नीचे वाले में विल बी गो फिर से वही चीज यहां पे विल लगा दिया तो ये गलत हो गया नीचे वाले में विल क्यों गलत हो रहा है जैसे ऊपर वाले में विल गलत हो रहा है तो यहां पे भी विल की जगह क्या हो जाना है सेल हो जाना चाहिए क्लियर है नीचे वाले सेंटेंस में भी सेल होगा ऊपर वाले में भी सेल होगा हाँ इंटेरोगेटिव है आगे और देख लेते हैं देखो ये जो सेंटेंसेस हैं जैसे आई विल हेल्प आई विल हेल्प मैं तुम्हारी मदद करूंगा कम वर्ट में देखो यहां पे लास्ट वाला जो फ्रेज है ना कम वर्ट में ये हो रहा है जब आप किसी अपने चाहने वाले से एक बहुत बड़ा वाला वादा कर देता है चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे करके नहीं बोल देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा यह कह रहा है कम वॉट मे कम वॉट वे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए ये इसका मीनिंग होता है कम वॉट मे का कम वॉट वे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो आगे यहां पर क्या है वादा कर रहा है यह क्या है वादा कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो यहां पे जो आई के साथ विल आ रहा है ये मॉडर्न इंग्लिश वाला विल नहीं है ये मॉडर्न इंग्लिश वाला नहीं है ये विल जो है ये वादा कर रहा है प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा है भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी मदद करूंगा आई विल कंप्लीट दिस ए टू जेड इंग्लिश बैच कम वॉट मे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ए टू जेड इंग्लिश बैच को कंप्लीट करके रहूंगा ऐसे ही नीचे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है भी भी का खौफ देख लो। सी पनिस मी, वो मुझे पनिस करेगी। वो मुझे सजा देगी कब? अगर मैं अगर मैं कोई भी गलती करता हूं अगर मैंने कोई गलती करी इफ आई कमिट सिंगल मिस्टेक एक सिंगल मिस्टेक भी अगर मैंने करी तो भाई साहब वो मुझे सजा देगी सी विल पनिश तो यहां पे जो सी विल पनिश है ना इसकी जगह पे सी के साथ सेल आना चाहिए क्योंकि यहां पे धमकी है मेरे भाई किसको कहते हैं धमकी ठीक है थ्रीट डर ये थ्रीट है भाई धमकी की बात हो रही है इसमें वो मुझे पनिश करेगी तो यहां पे सी के साथ में हमने क्या लगा दिया सेल लगा दिया वैसे सी के साथ विल आना चाहिए था You के साथ सेल क्यों आ रहा है यू सेल लीव द रूम एट वंस ये जो बोला जाता है ना एट वंस एक ही बार में ये भी धमकी है यहां पे भी थ्रीट की बात हो रही है धमकी जब धमकी की बात करते हैं ना जब हमें कोई धमकी देता सुन भाई एक ही बार में रूम खाली कर देने का बोल देते हैं एक ही बार में रूम खाली कर दे वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ सकती है तो एक ही बार में शाम तक रूम खाली हो जाना चाहिए वरना मैं रूम मैं ही पुलिस बुला लूंगा ध्यान रखना तो ये क्या हो गई धमकी एक, एक, एक बार में एक ही बार में एक बार में ये काम कर दो भाई जब भी कोई एक बार में कोई काम करवाने की बोलता है यू शैल लीव द रूम एट वंस तो मैं इस रूम को छोड़ देना चाहिए एक ही बार में तो यहां पे धमकी है सेम यहां पे भी धमकी और यहां पे भी धमकी दे शैल बी देयर फॉर द ऑफिशियल मीटिंग ये क्या है भाई साहब वो वहां पर ऑफिशियल मीटिंग में होंगे ये कंपलसरी है ये कंपलसरी है मेरे भाई कंपल्सन है अनिवार्यता है क्यों भाई क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग है ऑफिशियल मीटिंग में कोई बंक नहीं मारता क्योंकि अगर आपको बंक मारनी है और अगर आपके बॉस को पता चल गया आपकी सैलरी काट देगा आपकी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है तो ये कंपलसन है अनिवार रहता है इसलिए दे के साथ सल आ रहा है वी के साथ देखो यहां पे विल क्यों आ रहा है वी विल इन प्रामेश। प्रामेश करो हम साथ रहेंगे मुझसे प्रोमिस करो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे वादा करो हम कभी नहीं अलग होंगे ऐसे करके वादे किए जाते हैं ना चोरी छुपे फरवरी में ये वही वादे हैं जो आगे चल के टूट जाते हैं एक सरकारी नौकरी पे सारे वादे टूट जाते हैं ध्यान रखना छोटी मोटी बातें बड़े बड़े वादे टूट जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजें हाथ लग जाती हैं लोगों को जिसके पास सरकारी नौकरी आ जाती है तो उम्मीद है कि आपको विल और सेल का पूरा कॉन्सेप्ट एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा आ गया बताओ अब आ जाते हैं सुड़ की तरफ सुड़ कब यूज किया जाता है सुड़ का यूज किया जाएगा एक तो एडवाइस के लिए जब आप किसी को एडवाइस देते हो एक ओपिनियन के लिए अगर आप अपना विचार रखना चाहते हो कि मेरे विचार से ना सर क्लास ना नौ बजे लिया करो है ना एक होता है फालतू का सजेशन दे दिया अब ये जो सजेशन के अलावा जो सूर्य का इस्तेमाल किया जाता है एक और सुड़ का और भी यूज है नहीं है यहां पर सिखा देता हूं देखो सुड का एक और यूज होता है जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले सुड फॉर जनरल ड्यूटी जनरल ड्यूटी या फिर ऑबलाइजेशन जनरल ड्यूटी या जनरल ऑबलाइजेशन सामान्य कर्तव्य की बात जब होती है सेंटेंस में सामान्य कर्तव्य जैसे मैंने कहा मैंने कहा तुम्हें तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए तुम्हें तो फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए ये होता है सामान्य कर्तव्य तुम तो अंदर अंदर मुझे गाली देते रहे यार क्या क्या ज्ञान पेल रहा है भाई क्यों ज्ञान दे रहा है तो अपना काम करना मुझे खाने दे यार मैं तेरा थोड़ा ना खा रहा हूं अंदर ही अंदर बोल रहे हो लेकिन हंस के बोल देते ओके सर थैंक यू ऐसे करके तो यहाँ पे हम सुड यूज करते हैं जनरल ड्यूटी होती है आप मानो या मत मानो सामने वाला ज्ञान दे ही जाएगा आपको ये होती है जनरल ड्यूटी लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया अगर मैंने आपको यह बोल दिया कि बेटा पापा को गाली मत देना तो आप कहोगे कि सर पगला गए हो क्या पापा को गाली वैसे ही नहीं कोई देगा कोई कैसे दे सकता है पापा को गाली दे सकते हो मैं अगर तुमसे मना करूंगा या कहूंगा तब भी नहीं दे सकते यह होता है स्ट्रॉग ऑर्नाइजेशन यू मस्ट नॉट अब्यूज योर फादर जस्ट बिकॉज ऑफ तो मैं घर से बाहर भी निकाल सकते हैं अपनी जायदाद से बेदखल भी, भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो समझ लो भाई पापा से डॉक्टर से और टीचर से कभी पंगा मत लेना जिंदगी बर्बाद हो जाती है यू शुड वॉच द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी इट्स ग्रेट एक नई मूवी आई है ये तुम्हें तो देखनी चाहिए बगैर मैं नहीं देख रहा भाई मेरी मर्जी में नहीं देख रहा ठीक है तो एक होता है एडवाइस मानो या मानो या मत मानो मानो या मत मानो वो आपको एक सलाह एक ओपिनियन एक सजेशन कुछ ना कुछ दे ही जाएगा ठीक है तो यू शुड वॉच द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी इट्स ग्रेट यहां पर हमने शुड इसलिए लगाया क्योंकि एडवाइस या ओपिनियन या सजेशन एक तरीके से सजेशन है ठीक है सजेशन की बात कर रहे हैं मैं तुम्हें एक मूवी सजेस्ट कर रहा हूं ये आप देख लेना बढ़िया है यार मेरे पेट में एक दर्द हो रहा है मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताओ तो वहां पे वो भी आपको एक सजेस्ट कर दिया यू शुड ट्राई डॉक्टर मुखुरुजा या कुछ भी नाम लिख देते हैं ठीक है खरूजा मरूजा ऐसे नाम होते हैं खुराना उराना डॉक्टर्स के यू शुड ट्राई टू लूज यू वेट बोलते अगर कोई मोटा हो जाए तो 25 लोग ज्ञान देते हैं तुम्हें तो अपना वजन कम करना चाहिए तुम्हें तो बाहर का खाना कम खाना चाहिए है ना उसे नहीं पता बेचारा डेली सुबह शाम करेले का जूस पी रहा है उसमें मोटा है ही पैदा ऐसी वो क्या कर सकता है अगला आदमी ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन भर चरते रहते हैं खाते रहते हैं वो तो कभी मोटे नहीं होते वो पतले के पतले ही है तो कुछ लोग जीन में होता है उनके जैसे यहां पर लिखा है जोन गेट अ बाल बड़े हो गए हैं इसको अपना हेयर कट करवाना चाहिए और कहा भाई नहीं करवा रही मेरा शौक है तो ये एक एडवाइस है सजेशन है सजेशन है सॉरी यहां पे लिखा हुआ यू शुडंट स्मोक ये एडवाइस है कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई स्मोक ड्रिंक ये सब गलत आदतें होती हैं एंड ही शुड नो शुड स्टॉप ड्रिंकिंग टू उसे ड्रिंक करना भी बंद करना चाहिए तो यहां पे शुड लगा दिया है यहां दोनों में एडवाइस की बात हो रही है यहां पे लिख लो एडवाइस दी जा रही है दोनों में ही एडवाइस की बात हो रही है ठीक है नीचे लिखा हुआ है व्हाट शुड आई वियर मुझे क्या पहनना चाहिए कुछ मुझे सजेस्ट करो ना बोलते हैं जब भी आप शादी शुदा में जा रहे होते हैं शादी सॉरी शादीवादी में जा रहे होते तो बोलते हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए कौन सी ड्रेस देखना चेक करके मेरे पे अच्छी लग रही है ऐसे करके ये पहन के जा सकती हूँ क्या मुझे क्या पहनना चाहिए प्लीज मुझे सजेस्ट करो ना ऐसे करके तो वहां पर आप सुड का कर इस्तेमाल करो ठीक है हाँ तो वो सुड आई व्यर ऐसे करके बोलोगे चलो शुड आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एक सुड़ का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है लेस्ट लेस्ट के साथ सुड का यूज किया जाता है लेस्ट के साथ का यूज किया जाता है और लेस्ट का मतलब होता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे नहीं बोल देते कहीं ऐसा ना हो कि <laughs> कहीं ऐसा ना हो मैंने कहा भाई साहब धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ मैंने कहा भाई कम हंसो कहीं ऐसा ना हो आपके दांत गिर जाएं ऐसे नहीं बोल देते हैं। कल का एग्जाम है तो आप जाओ सालू मिश्रा कल एग्जाम दे के आना सभी को गुड लक एस एस जीडी वाले एग्जाम चल रहे हैं आप जाकर के एग्जाम दे सकते हो तो यहां पे आप देखोगे लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो और कभी भी इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं ठीक है इसके साथ गलती से भी नॉट मत लगा देना क्यों क्योंकि यहां पे जो लेस्ट है ना ये एक नेगेटिव वर्ड होता है कैसा होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है ये आपको पता होना चाहिए लेस्ट के अंदर ही नॉट छिपा हुआ है तो इसके साथ नॉट मत लगा देना ठीक है बस थोड़ा सा और रखो तो यहां पे देखो कि लेस्ट यू मे नॉट मे की जगह शुड होना चाहिए ठीक है ये कह रहा है वॉक स्लो धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ और यहां पे नॉट का यूज भी नहीं होगा जहां पे लेस लिखा हुआ है नेगेटिव है ऑलरेडी तो इसके साथ नॉट तो आना ही नहीं है ठीक है और मे और माइट कुछ नहीं आएगा सिर्फ सोड आना चाहिए ऊपर लिखा हुआ है और नॉट बिल्कुल नहीं आएगा जैसे नीचे लिखा हुआ वर्क हार्ड मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम तुम मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम एग्जाम पास कर जाओ नहीं यहां पे फे फेल करना पड़ेगा लेस यू शुड फेल इन द एग्जाम यू विल यू शुड फेल इन द एग्जाम कहीं ऐसा ना हो तुम तो एग्जाम में फेल हो जाओ ठीक है तो यहां से नॉट हट जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में फेल हो जाओ तो किसका है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वुड का यूज कर लेते हैं देखो वुड जो होता है वो विल का ही पास्ट फॉर्म होता है ठीक है पहला कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि विल का पास्ट फॉर्म विल का पास्ट फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो वहां पर वुड यूज कर लेते हैं जैसे यहां पे लिखा हुआ है पास्ट ऑफ विल फॉर फ्यूचर जब हमें फ्यूचर के लिए कुछ बात बोलनी होती है विल का पास्ट बना देते हैं वुड हो जाता है जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स होप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट यहां पे हमने विल लगा दिया ये सेंटेंस सही है ये सेंटेंस क्या है सही है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स होप स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आई विल हेल्प देम कि मैं उनकी मदद करूंगा हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने में तो आप लोग उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने में आप उम्मीद करते हैं प्रेजेंट की बात हो रही है मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा फ्यूचर की बात हो रही है आई के साथ विल एकदम सही है लेकिन यही सेंटेंस जब पास्ट में बन जाता है मेरे प्यारे चल बोलो यहां पर होप की जगह होप्ड कर दिया सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट हो गया तो भाई साहब के बाद आई के साथ विल लिखा हुआ है इसकी जगह आपको वुड करना पड़ेगा उन्होंने उम्मीद करी उन्होंने उम्मीद करी पास्ट में कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैंने भी तो पास्ट में ही कहा होगा मेरा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी पास्ट में ही हुआ है ठीक है तो विल की जगह सी टोल्ड मी वर्ग की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सी टोल्ड मी उसने मेरे से कहा कि सी विल विल की जगह वो डालना चाहिए उसने मेरे से कहा कि वो खरीदेगी एक नई कार आगे बात समझ में सीएचएसएल के लिए हंड्रेड परसेंट बेनिफिशियल रहेगी हंड्रेड परसेंट एस एस सी के हर एक एग्जाम के लिए अब आ जाते हैं यहां पर दो मॉडल वर्ब सीखेंगे एक होता है यूज टू यूज टू जो होता है मॉडल वर्ब भी होता है और ये आपकी मेन वर्ब भी होगा अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको मॉडल वर्ब की तरह यूज करना सिखाऊंगा अगर आप इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हो मॉडल वर्ब की तरह तब इसका मतलब क्या होता है जब आप यूज टू को मॉडल वर्क की तरह यूज करते हैं तो ये पास्ट की एक हैबिट को शो करता है पास्ट की एक हैबिचुअल एक्शन पास्ट हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करता है किया करता था किया करता था करती थी करते थे ऐसे करके कि मैं जब छोटा बच्चा था तब घनी शरारत करता था अब मैं बड़ा हो गया हूं तो पहले जब वो छोटा बच्चा था तो वो घनी शरारत करता था तो किया करता था ये पास्ट की हैबिट हो गई ये मॉडल वर्ग की तरह है। और मेन वर्ग की तरह भी मैं आगे सिखाऊंगा ठीक है मेन की तरह ये होता है जब भी कोई काम करता है तो एक अलग यूज होता है ये दोनों तरह से यूज होता है इसीलिए इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ग में रखा जाता है ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है ठीक है चलो तो यहां पे जो वुड का सेकंड रूल है सेकंड कॉन्सेप्ट वुड का वो यही है कि वुड इज इक्वल टू यूज टू यानी कि दोनों ही सेंटेंस पास्ट की हैबिट बताते हैं दोनों ही वुड और यूज टू दोनों ही पास्ट की हैबिट बताते हैं ठीक है हाँ पास्ट मतलब यतीत यतीत हिंदी में सुन लो यतीत की हैबिट यानी कि आदत यतीत की आदत मुझे हिंदी में भी बोलने में अजीब सा लग रहा है कि आदत अगर यतीत यानी कि पास्ट की कोई आदत है तो वहां पर हम लगाते हैं या तो वुड या यूज टू दोनों ही एक जैसे हैं ठीक है और दोनों ही आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई वुड स्मोक आई वुड स्मोक ऐसे ही आप बोल सकते हैं ऐसे ही एक और सेंटेंस आप भी बोल सकते हैं इधर लिख देता हूं <coughs> कहां लिख यहां पे लिख देता हूं जैसे आई यूज्ड टू स्मोक हाँ यार एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया शुरुआत में सबसे पहले एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि मॉडल ऑक्जुल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है हाँ अभी मैं बता दे रहा हूं थोड़ी देर बाद और बता दूंगा जैसे यहां पे भी देखोगे क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो वुड लिखा हुआ है पास्ट की हैबिट मैं ग्यारह बजे तक पढ़ाई किया करता था मैं ग्यारह बजे तक पढ़ाई किया करता था अभी हम बारह बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं बारह बजे तक तो हम लाइव हैं देखो आई वुड ड्राइव फास्ट बहुत तेज ड्राइव किया करता था वुड प्ले द होल डे वो पूरे दिन खेला करता था यह फॉर्मेटिव सेंटेंस है ही वुड नॉट प्ले द होल डे वो फुल डे नहीं खेला करता था यह नेगेटिव सेंटेंस है ठीक है तो यूज टू वाले सेंटेंस जो है ना वो भी सेम ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं एक दो एग्जांपल यहां पे वुड के भी लिख सकते हो जैसे किसी ने ओ सॉरी यूज टू के जैसे किसी ने कहा आई यूज टू स्टडी आई यूज टू स्टडी टिल एलेवन पी ये भी सही है किसी ने कहा आई यूज टू ड्राइव फास्ट आई यूज टू ड्राइव फास्ट ये भी सही है मैं तेज ड्राइव किया करता था मैं तेज ड्राइव किया करता था ठीक है ऐसे करके है ना किसी ने कह दिया आई यूज टू आई यूज टू स्टडी इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था तो ये क्या है ये यूज टू वाले सेंटेंसेस हैं, ये आपके वुड वाले सेंटेंस हैं। मतलब यूज टू और यूज टू और वुड दोनों एक ही सेंस में यूज किए जा सकते हैं जब भी आप पास्ट के किसी हैबिट की बात करो तो यतीत होता है ना अतीत होता अच्छा अतीत होता है ठीक है यतीत की जगह अतीत लिख लेना भाई <laughs> सही है पकड़ लिया भाई किसने पकड़ा ये? अब अंग्रेजी वाले टीचर से हिंदी लिखवाओगे तो क्या होगा अतीत लिख लो चलो अतीत अतीत की आदत के लिए पास्ट की हैबिट चलो अब आगे बढ़ जाए यूज टू कंप्लीट हो गया तो वुड भी कंप्लीट हो गया अब वुड का एक और रूल एक और कॉन्सेप्ट वुड का एक और कॉन्सेप्ट कहां यूज करते हैं जब भी हम किसी चीज को प्रेफर करते हैं मैंने कहा मुझे तो यार चाय पसंद है कॉफी पसंद नहीं है मुझे सलमान खान बड़ा पसंद है शाहरुख खान पसंद नहीं है मुझे अक्षय कुमार पसंद है मुझे ऋतिक रोशन पसंद है मुझे वरुण धवन बिल्कुल पसंद नहीं है तो ऐसे करके बोलते हैं ना तो जब भी हम किसी चीज की प्रेफरेंस की या चॉइस की या डिजायर की मुझे ऑडी कार बड़ी पसंद है कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे ऑडी ऑडिकार अगर आपने गलती से खरीद भी ली ना भाई साहब पूरे जीवन भर उसकी किस्त चुकानी पड़ जाएंगी अगर ईमानदारी से पैसा कमाया तो फर्जीवाड़े से कमाओगे तो दो महीने में खरीद डालोगे ठीक है तो अगर आप किसी चीज की डिजायर रख रहे हो कोई चॉइस समझ में आ रही है किसी चीज को प्रेफर कर रहे हो ठीक है हिंदी लिख दू प्रेफरेंस चॉइस मतलब चुनाव चॉइस मतलब चुनाव ठीक है प्रेफरेंस चॉइस मतलब डिजायर मतलब इच्छा अगर किसी चीज के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हो किसी चीज का सिलेक्शन कर रहे हो चुनाव कर रहे हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं वुड यूज करते हैं जैसे कहा आई वे मेरी इच्छा है यू वुड कम विद मी मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो तो जब भी इच्छा की बात होगी तो वुड लगाएंगे पिताजी बोलते हैं ना मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो तो ऐसे करके आप वुड लगा सकते हैं अच्छा यहां पर ये कह रहा है आई वुड आई वुड रेदर डाई मैं मरना पसंद करूंगा ये किस चीज को प्रेफर कर रहा है ये मरने को प्रेफर कर रहा है लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा ये होता है भीख मांगना तो ये कह रहा है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा देन देन के बाद भीख मांगना है और देन से पहले डाई है इस चीज को प्रेफर कर रहा है जिस चीज के बगल में रेदर लिखा होता है ये इसको प्रेफर कर रहा है मतलब ये मरना पसंद करेगा आई वुड रेदर डाई मैं मरना पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने के ठीक है चलो आई वुड प्रेफर मैं प्रेफर करता हूं टी टू कॉफी प्रेफर के साथ टू आता है और वुड क्यों लगाया क्योंकि वो प्रेफरेंस बता रहा है मैं कॉफी और टी में से टी को प्रेफर करता हूं कॉफी को नहीं कितने लोगों को ये प्रेफरेंस चॉइस डिजायर वाला क्वेश्चन यहां पे वोड वाला समझ में आ गया अगर हाँ तो बोल दो यस सर नहीं आया तो और एग्जांपल समझ लो देखो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तुम्हें क्या पसंद है तुम बताओ वट वुड यू लाइक टू हैव जब भी आप किसी रेस्टोरेंट किसी कैफे वगैरह में जाते हो बर्थडे पार्टी वगैरह लेके तो वो पूछता है हेलो श्योर वट वुड यू लाइक टू हैव क्या पसंद करते हो आप अपने खाने में ठीक है क्या पसंद करते हो आप खाने में हाँ तो आपको क्या चाहिए वुड यू लाइक यहां पर चॉइस पूछ रहा है वो आप क्या चाहते हो किस चीज को प्रेफर करोगे चॉइस पूछ रहा है आप क्या चाहोगे क्या खाओगे बताओ चाय कॉफी बटर पराठा क्या खाओगे ऐसे करके वो कहता है आई वुड लव टू लिव हियर i would have यहाँ पे i would लिखा हुआ है ठीक है इसमें i d मतलब i would हो गया ये क्या हो गया i would तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना i would love to live here मुझे यहाँ रहना बड़ा पसंद है ठीक है डिजायर जैसे आप दो दिन के लिए चले गए कहीं पे कहाँ मनाली या कश्मीर या कहीं पे भी चले गए घूमने फिरने तो वहां पर आप दो दिन में तो कहने लगते हो पहले दिन तो यार खास मेरा यहीं पे घर बन जाए यहीं पे बस जाऊं यहीं पे अपने सारे के सारे सपनों को लेकर एक ही जगह कुटिया बना के रहूं तीसरे दिन जब लगातार आप वहीं पे ठंड में कुड़क रहे होते हो और ऊपर से बर्फ बंद ही नहीं हो रही है रास्ते में कीच कीच भरी पड़ी है बर्फ जमी हुई है आप बाइक लेके निकल नहीं सकते फिर लगता है यार अपना दिल्ली विल्ली सही है अपना अपना गोरखपुर वहीं चलते हैं यहां कुछ नहीं ठीक है थीके? तो ऐसे करके बोलते ना कि जब शुरू पहले दिन ही बोलते है आई वुड लव दिस प्लेस I would live here. मैं यहीं रहना पसंद करूंगा मेरी डिजायर है मेरी इच्छा है कि मैं यहीं रहूं अच्छा मैंने कहा वुड यू लाइक सम कॉफी क्या आप थोड़ा सा कॉफी वॉफी लेना पसंद करोगे चाय वाय मंगाऊ मैं आपके लिए तो ऐसे करके बोल दो वुड यू लाइक तो यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है प्रेफरेंस क्या पसंद करोगे आपके लिए कॉफी प्रेफरेंस चॉइस चॉइस पूछी जा रही है वॉट वॉट आई वुड रियली लाइक इज समी जो चीज ये जो है इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, है रिलेटिव मतलब मतलब प्रनाव है बहुत ज्यादा वॉट आई वुड रियली लाइक इज समी इज समी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है क्या कॉफी या टी ऐसे करके ठीक है हाँ ओके okay. सुमन रॉय थैंक यू भाई कुश तो यहां पे आपको वर्ड का यूज समझ में आ गया होगा भाई साहब उम्मीद है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब इसके बाद बचा है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको वादा किया था कि अगर एक बार अगर आपने एक बार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अच्छे से पढ़ लिया इस वाली क्लास को अगर आपने कंप्लीटली देख लिया सीरियसली बता रहा हूं आपको दोबारा मॉडल वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक वीडियो देख लो बस जो मैं आपको करा रहा हूं ये वाला पूरी तरह से ठीक है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है इनको समझ लेते हैं पहले देखो मार्जिनल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है जो मॉडल वर्ब भी होती हैं ठीक है ठीके? ये मॉडल वर्ब भी होती है प्लस मेन वर्ब भी होती है दोनों तरह से काम कर लेती हैं ये इनको कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं एक होती है हमारी डेयर और एक होती है नीड इसको आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करोगे ठीक है मॉडल वर्ब की तरह तो मॉडल वर्ब के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे मेन वर्ब की तरह करोगे तो मेन वर्ब के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ठीक है क्या रूल्स होते हैं दोनों के समझ लेते हैं देखो पहली गलती जो मैं आपको शुरुआत में बताने वाला था पहली बात तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ठीक है हमेशा इतका द्या, इसका ध्यान इसका ध्यान रखना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं कि सर डेयर और नीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है जरा समझ लेते हैं देखो डेयर और नीड अगर आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना हिम्मत करना ठीक है डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना एक्शन और नीड का मतलब होता है जरूरत जरूरत होना किसी चीज की जब जरूरत होती है ना तो उसको नीड बोलते हैं आई नीड यू मुझे तुम्हारी जरूरत है ठीक है और अगर इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी और वही सेंस आता है जो मॉडल ऑक्जलरीज का आता है बाकी की वर्ब्स का लेकिन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह डेयर और नीड यूज करते हो चाहे नीड या फिर डेयर तो इसके साथ आप नॉट लगा सकते हो नेगेटिव सेंटेंस में ठीक है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया बना सकते हो ठीक है ऐसे ही आप ऐसे करके लिखोगे जैसे मान लो कहीं पे नीड लिखा हुआ है या डेयर लिखा हुआ है डेयर लिखा हुआ है तो आप इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे एक और मेन वर्ब लगा सकते हो ठीक है अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे डेयर और नीड को तो इसके बाद वर्ब की जरूरत नहीं है इसके बाद वर्ब की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही वर्ब है ठीक है आप इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कोई सी भी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है और एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कभी भी डेयर और नीड के साथ नॉट नहीं लगा सकते डेयर और नीड के साथ कभी भी नॉट नहीं लगा सकते समझ गए ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं आता तो ये दो चार बातें हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तभी समझ में आएगा जैसे यहां पर देखोगे तो नीड लिखा हुआ है अब नीड के बाद इनफेनेटिव लिखा हुआ है ये तो गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा मॉडल वर्ब के बाद किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बेयर इनफेनेटिव का यूज करते हैं ना कि इनफेनेटिव का अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है ये गलत है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा बेयर इनफेनेटिव यूज किया जाता है यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपको टू हटाना पड़ेगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहले यह गलत हो जाएगा अदरवाइज समझ गए हाँ आई नीड यू सर थैंक यू ब्रदर मैं तुम्हारे साथ ही हूं तो यहां पे जो नीड है ये तो मैंने आपको सिखा दिया लेकिन एक्चुअली पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि यहां पे जो इनफिनेटिव लगा हुआ है क्या ये सच में सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए मान लो अगर मेन वर्ब के साथ में मॉडल वर्ब के साथ छोड़ो मेन वर्ब के साथ में मेन वर्ब के साथ में अगर 2 प्लस v1 लिखा हुआ है तो क्या ये गलत होगा ये गलत नहीं हो सकता मेन वर्ब के साथ अगर 2 प्लस v1 है तो ये गलत नहीं हो सकता ये सही है इसमें कोई गलती नहीं है तो अब यहां पे चेक करो यू नीड के बाद अगर ये इनफिनिटिव है तो इसमें नीड के बाद कहीं दूसरी मेन वर्ब है नहीं है तो ये सेंटेंस सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पे जो नीड है ना ये मेन वर्ब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई नीड टू गो देयर मुझे वहां जाने की जरूरत है ठीक है नो no लेकिन अगर किसी ने बोल दिया आई नीड नॉट नॉट से पहले ये मॉडल वर्ब हो गई यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके बाद ये जो गो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि नीड के लिए आ रही है नीड के लिए आ रही थी इसमें से टू हटाना पड़ेगा समझ गए मॉडल ऑक्सलरी वर्ब के बाद उसकी एक मेन वर्ब भी तो होनी चाहिए इसलिए हम मेन वर्ब की फसम से पहले टू हटा देते हैं लेकिन जब भी डेयर और नीड को आप मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो टू प्लस लगा सकते हो ऊपर वाले में टू गो सही है लेकिन नीचे वाले में टू गो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट नीड के साथ लिखा हुआ है और नीड यहां पे मॉडल वर्ब है नीड और नीड जब मॉडल वर्ब होगी तो आपको यहां पर बेयर एनफेनेटिव यूज करना पड़ेगा ठीक है ऐसे देखो नीचे वाले सेंटेंस में डेयर डेयर क्या है बताओ सभी लोग बताओ डेयर क्या है ये मॉडल ऑक्सिलरी है मॉडल क्योंकि इसके साथ not लगा हुआ है तो फिर से यहां पे टू हट जाएगा ठीक है सी डेयर नॉट टू अब्यूज मी गलत हो जाएगा सी डेयर नॉट अब्यूज मी उसकी मुझे गाली देने की हिम्मत नहीं सभी लोग सेशन को लाइक कर दो इतनी रात में क्लास चल रही है तो ऐसे यहां पर देखो क्वेश्चन कौन बताएगा सी डेयर्स सी डेयर्स टू अब्यूज यहां पे सी डेयर्स टू अब्यूज यू ये सही है पूछो क्यों? क्योंकि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस नहीं लग सकता कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस नहीं लग सकता अभी फिलहाल ये क्या है ये मेन वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब में ही ऐसे एस, एस लग सकता है मॉडल वर्ब में नहीं लगता तो ये सही है मेन वर्ब के साथ तो टू प्लस वी आ सकता है बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं आ सकता अच्छा यहां पे देखो डज लिखा हुआ है ही डज नॉट डेयर तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई does, ये मेन वर्ब हो गई अब यहां मेन वर्ब के साथ फिर से उसने उसनेटिव लगा दिया तो ही डज नॉट डेयर टू अब्यूज मी ये भी सही है लास्ट वाला सेंटेंस भी सही है बस इतना ध्यान रखना कि डेयर और नीड अगर वर्ब की तरह यूज किए जा रहे हैं तो टू प्लस वी वन सही है और अगर मॉडल वर्क की तरह यूज किए जा रहे हैं तो सिर्फ वी वन आना चाहिए उससे पहले टू नहीं आना चाहिए अब बताइए भाई सरकार कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाई प्यारे भाई बंधु जिनको अभी तक यह कहानी समझ में नहीं आई है जिनको अभी तक यह कहानी समझ में नहीं आई है ऐसे कितने लोग हैं ऐसे ही यहां पे अभी हमने यूज टू के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे ना Used to. Used to को हमने वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह तो पढ़ लिया ऐसे ही ये जो यूज टू होता है ये भी एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है यूज टू भी क्या होता है डेयर और नीड की तरह मार्जिनल होता है यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी कर आ, कर सकते हैं इसको ये मॉडल वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब भी होता है हमने मॉडल वर्ब की तरह तो इसको पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले पास्ट की हैबिट अभी अभी पढ़ के आए ना कि मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये पास्ट की हैबिट बताता है पास्ट की हैबिट बताता है और अगर मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका यूज हम यहां पे करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट रूल है याद रखना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहां पे सिखाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी लोग थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा समझिएगा सभी लोग मेरी तरफ ध्यान देना एक मिनट की बात है बस आखिरी पड़ाव चल रहा है क्लास का लास्ट सेक्शन है थोड़ा सा सब्र रख लो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूज टू जब भी किसी सेंटेंस के अंदर बी या गेट के बाद यूज टू आता है तो इसके बाद हमें जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है जेरेंड यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे अभी इससे पहले हमने टू प्लस वी वन इनफिनेटिव जो होता है वो भी नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है ऐसे जेरेंड जो होता है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है तो अगर बी सर बी क्या होता है बी का मतलब होता है एज आर एम वॉज वर अगर किसी सेंटेंस में इज आर एम वॉज वर में से कोई वर्ब है या गेट 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 लिखना है पूरा ठीक है ठीक है बी और गेट के बाद यूज टू लिखा है जैसे यहां पे देख रहे हो यहां पे देखो यूज टू से पहले क्या लिखा हुआ यूज टू से पहले वर्ग लिखी हुई है देख रहे हो बी तो बी वर्ग के साथ यूज टू लिखा हुआ है इसका मतलब अब यहां पे जो गेट है वो गलत हो जाएगा गे, गेटिंग होगा क्या होना चाहिए गेटिंग गेटिंग होना चाहिए तो ये हो जाएगा आई एम टू अप लेट इन द मॉर्निंग ये गलत हो गया ऊपर वाला नीचे वाला सही हो जाएगा नीचे वाला सही बताओ हो क्यों हो रहा है क्योंकि हमने यहां पे गेटिंग लिख दिया सेम सेंटेंस है बिल्कुल ऊपर वाला ही बस यहां पे गेटिंग है और वजह से पता है एम की वजह से ये जो यूज है ना used, ये यूजर्व की थर्ड फॉर्म है ये main है, ये है, तो ये ये की की है, है? है, है। है, है। ठीक और कि कि तो तो पे 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 तरह किया जा रहा देखो के बाद आ गया, कॉलिंग तो होना चाहिए कॉल नहीं होना चाहिए तो ये गलत हो गया ये सही हो गया समझ गए ये वाला गलत ये वाला सही आई एम यूज टू स्मोकिंग ये सही है एम के बाद यूज टू के बाद आई एन जी जेरेंट कितने सारे लोगों को ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया क्योंकि आखिरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्री में क्लासेस हैं इनकी वैल्यू करना भाई साहब ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की क्लासेस हैं यानी कि यही प्रीमियम क्वालिटी जब हम अपने एप्लीकेशन पे या किसी दूसरे एप्लीकेशन पे किसी बड़ी कंपनी में जाके पढ़ाएंगे तो वहां पर इसी कोर्स के इसी क्लासेस के इन्हीं चीजों के आप पांच पांच हजार रुपये दो दो हजार रुपये तीन तीन हजार रुपए पे करोगे ठीक है हाँ, और यही चीज अभी आपको यहां पे फ्री में मिल रही है मेन्स बैच भी फेल है इन क्लास से <laughs> चलो तो ये आपका आखिरी कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का बस कुछ बातें हैं जो मुझे एक बार आपको बतानी है फिर से कि एक ही क्लास में 120 रूल्स वाली जो वीडियो है बहुत ही हिट वीडियो मोस्ट वायरल एक लाख से भी ऊपर व्यूज है इसका एक और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे और एसएससी एस सी पिनेकल सीरीज जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि सर कब से स्टार्ट होगी कब से स्टार्ट होगी तो सही से एक बार थमने देख लो एस एससी पिनेकल सीरीज की पहली क्लास टॉपिक वन आने वाला है इस सैटरडे सुबह ग्यारह बजे से स्टार्ट होगा एक ही वीडियो में पांच सौ बयासी फाइव हंड्रेड एट टू एर डिटेक्शन के क्वेश्चन एक टॉपिक एक वीडियो ठीक है सभी लोग सेशन को लाइक करके रिमाइंडर ऑन करके रखना इसका इवेंट बन चुका है सैटरडे को क्लास होगी सुबह ग्यारह बजे से रात तक ये लाइव बैच किसी को इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चलती हैं मात्र बहुत ही कम फीस में हम लोग छः सौ पाँच सौ तीन सौ चार सौ ऐसे रुपये में पढ़ा देते हैं तो आप लोग अगर इंग्लिश फाउंडेशन नाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ये आपका बिल्कुल लाइव बैच है ठीक है ये लाइव प्लस बी है ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है जो बैच आपको सल, आ, सजेस्ट आ, जो भी लेना है ये ऑफ जो है ऑफलाइन क्लासेज हमारी चलती है दिल्ली मुखर्जी नगर में ओपन स्टडी गुरुकुल तो कोई भी गुरुकुल में आना चाहता है उसका भी वेलकम है ठीक है मैं तीन से चार घंटे हमेशा गुरुकुल में ही रहता हूँ सुबह से शाम तक ठीक है हाँ, अपने बच्चों को तैयार करते हैं बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई थैंक यू सो मच बारह बजे तक आप लोग मेरे साथ रहे चलो बाय बाय टेक केयर जय हिंद शुक्रिया मिलते हैं अगली क्लास उसमें आज तो थक गया भाई <laughs>